सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वनारायणं देवं अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं वरायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य संतता सन्तापयति स्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्नि शिखा अणीयो ऊर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदा मध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा आस्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरि स सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलम् ऊर्ध्वरेतौ विरूपाक्षौ विश्वरूपाय वै नमो नमः सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। आप लोग सोचते होंगे कई लोगों को बोरियत भी लगती होगी या कुछ भी, क्योंकि मैंने तीन मिनट 40 सेकंड का जो है शुरू में नारायण सूक्त लगाया। ऐसे ही मैं डिफरेंट ईश्वर के नामों के रूपों के मंत्र और सूक्त वगैरह लगाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को सुनने को मिल जाए। दिन में एक समय आपने नारायण सूक्त सुन लिया, किसी समय आपने शिव का कुछ सुन लिया, गणपति का सुन लिया, ये सारे मंत्र जो है आप बाध्य हो जाते हैं कि आप वेट करते हैं और आपको सुनने ही पड़ते हैं, तो इस तरह आपका भी भला हो जाता है। और हम जो है अपने शुरू में बहुत सारी चीजें लगाने की बजाय हम मंत्र वगैरह और ये सब लगा देते हैं, तो इससे हमारे को डबल फायदा होता है। तो आज जो मैं आपको इसका रहस्य उद्घाटन करूंगी कि आखिर ये नर पिशाच कम्युनिटी टट्टी पिशाब थूक वगैरह क्यों मिलाते हैं खाने में, इसके पीछे क्या कारण है।
लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जो है लोग कम आते हैं शुरू में, तो मैं जो हूँ पहले न्यूज़ से स्टार्ट करती हूँ, तब तक लोग भी जुड़ जाएंगे, फिर मैं जो है अपनी छोटी सी जो पीपीटी है वो आपको दिखाऊंगी। तो आज की पहली न्यूज़ है कि जीसस के लालच में लाशों से भरा मुर्दा घर, सरकार ने रोका सर्च ऑपरेशन और डेड बॉडी रखने की जगह भी नहीं है। कीनिया में 90 की मौत हो गई है और बढ़ेगा आंकड़ा। ये पूरा मामला केन्या के किलिफी काउंटी क्षेत्र के शाकाहोला गांव का है। यहाँ पादरी पॉल मैकेंजी नथिन गे गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च चलाता है। वो यहाँ प्रार्थना के लिए लोगों को इकट्ठा करता था। इसके बाद उसने लोगों से कहा कि अगर वो भूखे रहेंगे तो वो उनको यीशु से मिलवाएगा। इस कारण बहुत लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया। अब तक 90 लोगों की लाशें हो गई हैं। अब इनके पास जगह भी नहीं है, मुर्दा घर में इतनी लाशें रखने का इंतजाम नहीं है। अगली न्यूज है लव जिहाद, महिलाओं की तस्करी, इस्लामी धर्मांतरण, आतंकवाद और आईएस जारी हुआ द केरला स्टोरी का ट्रेलर। रोकने में लगे थे वामपंथी कांग्रेसी। ट्रेलर में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के एक बयान का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया कि अगले 20 वर्षों में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो ये द केरल स्टोरी ये मूवी आप लोग जरूर देखिएगा। इसका ट्रेलर 2 मिनट 45 सेकंड का है और ये 26 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया है। इसका ट्रेलर यानी कि ये आज रिलीज हो गई है, तो आप जरूर। ट्रेलर की शुरुआत केरल के हंसते खेलते हिंदू परिवार से की गई है। यहाँ एक माँ अपनी बेटी शालिनी उन्नी कृष्णन को हाथों से खाना खिलाते हुए और उसे प्यार करती हुई नजर आ रही है। लड़की भी अपने परिवार के साथ बेहद खुश दिखाई दे रही है। ट्रेलर में शालिनी से पूछा जाता है आईएसआईएस कब ज्वाइन किया। इस पर वो कहती है आईएसआईएस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज्यादा जरूरी है। एनीवेज आप लोग ट्रेलर देख लीजिए और मूवी जरूर देखना। अगली न्यूज है उमेश पाल हत्याकांड को नाम दिया गया ऑपरेशन जानू। एक दिन पहले अतीक अहमद के घर में हुई थी पार्टी। शौहर के कब्र पर पहुंच सकती है शाइस्ता परवीन। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में ओडिशा में भी छापेमारी हो चुकी है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। शाइस्ता की एक नौकरानी काफी दिनों से घर से भागी हुई थी। उसके चकिया लौटने से उससे भी पूछताछ हुई है। तो अतीक अहमद की बीवी जो है ना शाइस्ता परवीन, वो भी हत्याकांड में साजिशकर्ताओं में शामिल थी। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मारा जा चुका है। और इसकी आपको पता है कि अगले ही दिन उमेश पाल की हत्या हुई थी, जब ये पार्टी हुई है। उस पार्टी में शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के बेटे असद के अलावा सभी शूटर्स भी शामिल थे। असद अहमद के फोन से जानकारी मिली कि इस हत्याकांड को ऑपरेशन जानू नाम दिया गया था। राकेश को लेकर अतीक अहमद का एक नाबालिग बेटा पार्टी का सामान लाने बाजार गया था। असद ने राकेश को बताया था कि ऑपरेशन जानू की सफलता के लिए तमाम मेहमान पार्टी करने वाले हैं। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है। उसकी मदद करने वाले 7 वकीलों और 20 अन्य लोगों को की पुलिस को तलाश है। आर्थिक रूप से भी कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। शाइस्ता पर 4 मामले दर्ज हैं, जिसमें 2009 का धोखाधड़ी वाला मामला भी है। उधर अपुष्ट खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का साथी गुड्डू मुस्लिम मुस्लिम मुखबिर बन गया है और उसकी सूचना पर असद का एनकाउंटर हुआ है। अगली न्यूज है मुस्लिम आरक्षण रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक लगाई रोक। कर्नाटक सरकार ने कहा मजहबी आधार पर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। दरअसल मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी के तहत 4% का आरक्षण मिलता था। इस व्यवस्था को कांग्रेस की सरकार ने राज्य में लागू किया था। इसके बाद इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया। इसके इस 4% को वोक्का लिगा और लिंगायत जैसी जातियों में बांट दी गई है। वहीं मुस्लिमों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत रखा गया है।
अगली न्यूज है, जानिए कौन है भारत का वो कारोबारी जिसने यूके में मंदिर बनाने के लिए दान कर दिए 250 करोड़, 500 गरीब बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का भी उठाया जिम्मा। जगन्नाथ सोसाइटी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इससे जुड़ी कई जानकारी साझा की है। अगले साल के अंत तक मंदिर का पहला चरण पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्वनाथ पटनायक ने जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए दिए हैं। ये ब्रिटेन में रहते हैं विश्वनाथ पटनायक, और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये उड़िया हैं, इन्होंने इतने पैसे दिए हैं। चलो इनका इनको बहुत बहुत साधुवाद। नाबालिग लड़की की मौत से भड़के ग्रामीणों ने बंगाल पुलिस को पीटा। ममता बनर्जी ने बिहारियों पर फोड़ा ठीकरा, रेप हत्या का आरोप, शव घसीटती दिखी थी पुलिस। हिंसा की घटना का वीडियो भी सामने आया है, जहां गुस्साए ग्रामीणों को कोने में दुबके हुए पुलिस कर्मियों को डंडे से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। ये देखो, ये बिहारियों को कोस रही है इस बात के लिए, रेप और हत्याकांड के लिए। आज के लिए बस इतना ही था न्यूज़। अब जो है, मैं आपको आज अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। मैंने एक किताब की स्टडी करी है, एक्चुअली मैं वो किताब जो है इंडिया में बैंड है, और इसलिए मैं वो किताब आपको नहीं दिखाऊंगी और ना ही कुछ करूंगी। उसमें से कुछ अंश मैंने लिए हैं, स्टडी किया है मैंने वर्ल्ड ओवर। इस लेखक ने, बर्नार्ड स्टर्न ने, पूरे विश्व में जितने भी प्रेम औषधि का इस्तेमाल करते हैं लोग, उसके बारे में बताया है, और मैं आपको उसी बारे में बताऊंगी। जी बिल्कुल धीरज जी, ऐसी फिल्में जरूर बननी चाहिए, और ये मूवी तो मैं जरूर देखूंगी, केरला स्टोरी। अच्छा हाँ बिल्कुल गिरीश त्यागी जी, मैं तो डेली एक चाहती हूँ, मैं तो बल्कि चार बंदे चाहती हूँ। मेरे को एक पर्सनल प्रोजेक्ट करना है, और इसके लिए मुझे चार कट्टर हिंदू चाहिए, जो बहुत डेडिकेटेड हों, और उनको कुछ भी नहीं काम करना है, बस लिखने का काम करना है, और वो भी अपने लिए। कहीं देना नहीं है, किसी को भेजना नहीं है, बस कुछ काम करना है। इतनी इतनी बार कुछ लिखना है। अगर मुझे चार लोगों का साथ चाहिए जो मेरा ये प्रोजेक्ट करे, तो फिर मैं उनको बताऊंगी बैक में कि क्या करना है। फिलहाल तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ, कि चलो चलते हैं। और ये प्लीज ये शेयर कर दीजिए वीडियो, और लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इसको आगे रिकमेंड करे। 22 लोग देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जी जी इंदिरा जी, वो चार लोगों में आप कह रहे हो, या ये वाला वीडियो शेयर करने की बात? तो मुझे चार बंदे चाहिए, एक पांचवी मैं, 5 लोग इस काम को करेंगे 5 दिन तक। जी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को दिख रहा है ना, मैं 1 मिनट देखूं। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा तो मैं शुरू करती हूँ। प्रेम औषधि, तो बर्नार्ड जी ने पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें से अधिकांश लोगों, जो कंट्रीज उनमें क्या क्या होता है वो सब बताया है। और इसलिए मैंने खाली नरपिशाच कम्युनिटी क्या करती है वही नहीं बताया, बल्कि विश्व में क्या क्या लोग क्या क्या करते हैं वो सब बताया है। प्रेम औषधि, ओविड ने दोनों लिंगों के व्यक्तियों को बनाने की उनकी शक्ति के बारे में लिखा, जो पहले प्यार में पड़ने के लिए एक दूसरे के प्रति काफी उदासीन थे। यानी कि ओविड ने ये सबसे पहले देखा कि दो लोग अगर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और वो बहुत उदास हैं किन्हीं कारणोंवश, वो प्यार उनका हो नहीं पा रहा है सफल, तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे कि वो लोग अपने प्यार को सफल बना सकते हैं। तो स्ट्रेमोनियम द्वारा स्तब्धता को गहरी नींद में ले गया हायोसाइमस या बेलाडोना।
तो ये सब जो है ना, ये आपको होम्योपैथी में मिल जाएंगी। स्ट्रेमोनियम जो है, बेलाडोना है, हाइसोमाइस है, और इटालियन पोटा हिप्पोमैन द्वारा किए गए चमत्कारों से संबंधित है। एक काली त्वचा सूखे अंजीर के आकार की जो पेड़ पर उगती है, मतलब एक फल है जो अंजीर के आकार का होता है, उसकी आउटसाइड स्किन एक काली रंग की होती है, और एक नवजात बछड़े का माथा जिसे जब एक चूर्ण के रूप में जला दिया जाता है प्रेमिका के खून से। तो मतलब ये तरह तरह की नुस्खे हैं जो लोग लाते हैं। अब यहाँ देखिए, स्ट्रेमोनियम द्वारा, तो ये लोग ना, ये कुछ होम्योपैथी में भी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे लोगों को सुला दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते थे कि विमेन को ऐसी चीजें लड़कियों को पिला देते थे। अभी आपको उसका भी पता चला है ना, वो क्या नाम था उसका जो उसमें आता था, बड़ा मशहूर केस है वो, बिल कॉस्बी। बिल कॉस्बी का केस हुआ था ना, वो तो इतना बड़ी उम्र का बुड्ढा है और वो छोटी छोटी लड़कियां उससे पूछने आ रही हैं अपने कैरियर के बारे में, ये वो, और उनकी ड्रिंक्स को स्पाइक करके, उनको बेहोश करके, उनके साथ जो है वो सेक्स करता है, करता था। विलियम कॉस्बी पे बहुत बड़ा आरोप लगा था और बहुत उसका केस चला था, अगर आपको पता हो। कोई भी, एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है कि विदेश में अगर कोई ऐसे पकड़ा जाता है तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना पसंद करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती हो। पता है, मैं जब यहाँ पर नौकरी मांगने, जब बहुत साल पहले जब मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, तो मैंने एक जो फॉर्म भरा था उसमें था कि आप क्यों ये कंपनी चूज करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसों की वजह से या ज्यादा बढ़ोतरी की वजह से अपने कैरियर में, या फिर ये कंपनी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है इसलिए, इस तरह बहुत सारे रीजंस लिखे थे उसमें, मतलब थोड़े इस तरह के रीजंस लिखे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं सोचती थी कि कोई भी कंपनी हम जब जॉब करते हैं तो कोई भी ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं जिसमें कि हमारी या तो ट्रेनिंग हो अच्छी, हमारी बढ़ोतरी हो, या फिर हमारे पैसे अच्छे हों, ओहदा अच्छा हो, हम यही सोचते हैं। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं लाइफ में जिस वजह से लोग कंपनीज चूज करते हो। तो अब मेरे को जान के बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ कनाडा में, कि स्पेशली कनाडा में जो लोग हैं वो ये देखते हैं ये कंपनी कितनी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, इसके क्या ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स रहे हैं, ये बेसिस पर ये वो लोग इस कंपनी में काम करना चाहते हैं। केवल इसलिए नहीं कि उनको पैसे ज्यादा मिले। तो ये बात मेरे लिए नई थी जो मैंने यहाँ आके सीखी। तो वापस आती हूँ कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो विलियम, ये जो बिल कॉस्बी है, इसने लोगों को बेहोश करके, तो ऐसी कई सारी होम्योपैथी में दवाइयाँ आती हैं जैसे बेलाडोना है और जो मैंने अभी आपको बताई ये सारी, तो इससे ये लोग लड़कियों को बेहोश करके और उनके साथ सेक्स किया करते हैं। तो इसी तरह जो इटालियन पोटा है, हिपोमैन, एक एक तरह की एक छोटी सी फल होता है जो पेड़ पर उगता है, उसको भी ऐसे उसके चूर्ण वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब रोम रोम में चलते हैं। तो रोमन जानते थे कि समान प्रेम औषधि कैसे तैयार की जाती है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कथा भी इसने लिखी है, कहानी। लुकुलस जो था, एक आदमी था, उसने कुछ कुछ इस्तेमाल किया प्रेम के चक्कर में, लेकिन उसका दिमाग खत्म हो गया। यानी कि ये चीजें जो आप इस्तेमाल करते हो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। एक कवि था लुक्रेटियस, उसने प्यार के चक्कर में अपनी जान ले ली। ऐसी औषधियां वगैरह उसने तैयार की, लेकिन वो उनको पीने की बजाय, ताकतवर होने की बजाय वो मरी गया। एपुलियलिस ने धनी पुडेंटिला का दिल जीत लिया। ऐसा फिल्टर उसने तैयार किया शतावरी का, केकड़ों की पूंछ, मछली के अंडों से बना होता है, कबूतर का खून भी उसमें मिलाते हैं, और ईसप के शानदार पक्षियों में से एक पक्षी की जीभ। तो इस तरह उसने ऐसा फिल्टर तैयार किया, और ऐसा माना जाता है कि उसने एक एक बहुत वेल्दी लेडी थी जिसका नाम था पुडेंटिला, उसका दिल जीत लिया था। तो रोम में ऐसी कहानियां प्रचलित हैं। फ्रांस में भी एक अंधविश्वास मौजूद है जिसे आदमी, अब इसकी ना, ये मैंने कुछ गूगल ट्रांसलेट से कराया ना, तो इसकी थोड़ी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन थोड़ा वैसा है। तो क्योंकि
क्योंकि मैं इतनी सारी हिंदी टाइप नहीं करना चाहती थी, तो मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं पर ऐसा हो गया है। फ्रांस में एक अंधविश्वास मौजूद है जिसे आदमी खुद बना सकता है, प्रिय बना सकता है, अगर वो अपने दिल पर एक बाज का सिर रखता है, अगर वह अपने प्यार की वस्तु को निगलने के लिए लोमड़ी के पूंछ के आखिरी जो उसका लास्ट बाल होता है वो दे देता है। तो ये एक तरह का सुपरस्टिशन है जो फ्रांस में है कि हम किसी को मोहित कर सकते हैं, प्रिय बना सकते हैं, अगर हम अपने दिल के ऊपर बाज का सिर रख दें। और इसी तरह मार्क्स ने अपने शोध में प्रेम औषधि के अवयवों का खुलासा किया कि उसने कहा कि लॉरेल एक पेड़ होता है, लॉरेल उसकी एक शाखा एक एक चंचल व्यक्ति का मस्तिष्क, एक चींटी खाए हुए मेंढक की बाईं ओर की हड्डियां, रक्त और एक कबूतर का दिल, एक गधे के अंडकोश, एक घोड़ा, एक मुर्गी और बहुत कुछ विशेष रूप से मासिक धर्म का, मासिक रक्त, मासिक धर्म वाला। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ पर ये लोग, कई लोग हैं ना, वो आपके, कहा जाता है कि मासिक धर्म का मतलब, मेरे घर के पे जो मेरी रिश्तेदार थी वो कहते थे, मेरी एक मौसी थी वो कहती थी कि कभी भी ये जो अपने पीरियड्स का कपड़ा ना फेंकना नहीं चाहिए जहां पर किसी को मिल जाए। तो कुछ कुछ लोग पहले जमाने में जब सैनिटरी नैपकिन्स नहीं आए थे तो लोग कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो उससे बहुत जल्दी ये लोग जादू टोना टोटका करते हैं। तो इसीलिए उस कपड़े को कभी भी ऐसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए जहां पर लोग उसको ले लें, क्योंकि उस पर टोटका करके लोग वो किसी को अपना प्रिय बना लेते हैं। तो मतलब कि किसी पर टोटका करवाना हो, उसे वश में करना हो ना, तो उसका इस्तेमाल बहुत होता है, जो मासिक धर्म का कपड़ा है, तो उसको सावधानी से फेंकना चाहिए, उसको डिस्पोज ऑफ बड़ी ठीक से करना चाहिए। तो वापस आते हैं कि तो ऐसे फ्रांस में भी सुपरस्टिशन है। एक है कोयले के देवज्ञ यानी नोवाक ओपोलिटिशस नाम का एक किसान यूरोप में रहता था, दक्षिणी दक्षिण में जाबिक जी जगह में। उसने कोयले के दो टुकड़े पानी की सतह पर फेंके, एक लड़के के लिए और दूसरी लड़की के लिए। अगर कहते हैं कि लड़के लड़की का अगर मिलन होगा, अगर दोनों टुकड़े आपस में मिल जाएं और अगर वो नहीं मिले तो एक दूसरे का पीछा करेगा, तो इसका मतलब कि वो एक लड़की जो है लड़के का पीछा करेगी, या इस तरह से कोयले से भी निकालते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं ना, मैंने देखा था किसी सीरियल में हिंदी के अपने, कि वहां पर पानी में पत्थर मारो तो फिर उसमें कितने तरंगे उठती हैं, उससे भी लोग ऐसे अनुमान लगाते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये जो है, चलो कुछ जानवरों के दिल निकाल लो, ये करो वो करो, पर ये फिर भी ओके हैं। हालांकि जो ये मरे हुए जानवरों का निकालते हैं, मार के नहीं निकालते, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि ये फिर भी टोटके करते हैं दूसरों का प्यार पाने के लिए, है ना। और उसमें ये लोग किसी को वो नहीं करते, मतलब किसी का नुकसान नहीं करते। अगर अगर कोयला फेंक रहा है पानी पे और ये सब कर रहा है, तो चलो ये एक तरह के अंधविश्वास मान लिए जाए। बोस्निया, अब आपको पता है बोस्निया में मुसलमान रहते हैं, नरपिशाच। बोस्नियाई प्रिय वस्तु को एक मंत्र मुग्ध अंगूठी के माध्यम से टकटकी लगा के देखते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है कि एक अंगूठी होती है, उसको उसके बीच में से अपने प्रिय व्यक्ति को देखते हैं अंगूठी के अंदर से। तो डरवेंट नाम की एक जगह में एक यंग टर्किश आदमी ने अपने पिता को, एक्चुअली में एक एक सुंदर स्त्री थी, उसने उसने पुत्र को भी देखा और पिता को भी देखा अंगूठी से, तो दोनों ही उसके वश में हो गए, दोनों ही वश में हो गए। तो जो लड़का था उसने अपने पिता को मार दिया, ईर्ष्या, वो ईर्ष्या में आ गया और उसने अपने पिता को मार दिया। तो ये रियल केसेस हुए हैं, और इस तरह बोस्निया में और टर्की में इस तरह के अंगूठी के अंदर से किसी को देखना, ये एक प्रचलन है। तो वो व्यक्ति वश में हो जाता है।
अच्छा, इसी तरह सर्बिया, सर्बिया में भी मुसलमान रहते हैं। सर्बियाई लोगों के बीच प्रेम आकर्षण के लिए एक सर्बियाई उपाय मॉन्टेनिग्रन और हर्जेगोविनस को गोभी, बंद गोभी एक्चुअली है, कहा जाता था दक्षिणी स्लाव में, यानी ये यूरोपियन, यूरोप में है ना सर्बिया, वहां पर भी। तो एक लिस्ट ने एक, ये एक स्कॉलर है, उसने रिपोर्ट के मुताबिक ये बंद गोभी कोई और नहीं बल्कि डोल्डेन ग्रोथ लिगोस्टिकम ऑफिन स्नेल है, ये इसका बॉटनिकल नेम है, जो जर्मनी में अंधविश्वासी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो एक बंद गोभी से इन लोगों ने, ये एक अंधविश्वास है जो बड़ा कॉमन है यूरोप में और जर्मनी में भी है, सर्बिया में भी है। तो ये एक विशेष टाइप का जो बॉटनिकल नेम वाला बंद गोभी है, एक तरह का, जो कि अंधविश्वासी प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी में प्रेम को जगाने या टालने के संदर्भ में के जर्मन जर्मन लव ट्री, एक जर्मन लव ट्री होता है, उसकी जड़ जो है वो घरेलू बीमारियों की दवा के रूप में आज भी बेची जाती है। ये पौधा जो है कभी मध्य यूरोप में पाया जाता है, लेकिन ये अक्सर गर्म पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए यूरोप में इतना नहीं मिलेगा, लेकिन जो गर्म पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां मिलेगा। और तुर्की के लोग इसको एमस कहते हैं, और अरेबिक लोग इसको कैमुन मेलुकी कहते हैं, फारसी इसको नांचा कहते हैं, और भारतीय इसको डशोअन्नी कहते हैं। तो ये एक एक तरह का जो लव ट्री का रूट है। रोमानिया में रोमानियाई किसान लड़की जानती है, जैसा कि फेलिक्स हमें बताता है, ये कोई स्कॉलर है, युवती धातु की वायलिन की डोरी बजाती है। अब रोमन लड़की के बारे में बताया, जो एक किसान है वो जो है वायलिन बजाती है, और जैसे जी स्ट्रिंग वगैरह, और उसकी उंगली के चारों ओर एक एक बॉल सी लपेट लेती है वो, और डोर जो है वो एक कठोरतम मनुष्य, यानी कि कोई ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल उसको वो ना कर रहा हो, मतलब उसके वश में ना हो, बिल्कुल ही अलग हो, ऐसा कठोर उसका दिल हो, तो उसको, उसके हृदय को सॉफ्ट करने के लिए ये उपाय है। तो वो गेंद को क्या करती है, उस डोरी को एक गेंद के रूप में गोल गोल लपेट लेती है अपने उंगली के चारों तरफ, और जब वो एक गेंद बन जाती है तो वो अपने अंडरवेयर के सीम पर उसको सिल देती है, और इसके बाद वो 3 बार बोलती है, जैसा ये स्ट्रिंग घाव है मेरी उंगली के चारों ओर, इसी तरह इस लड़के को, फलाने लड़के को मेरे चारों ओर उंगली के घूमना चाहिए। तो ये है, ये एक तरकीब है जो इसने करी है, रोमन वुमन ने, रोमानिया की वुमन ने। और एक और उपाय है कि युवती जो है वो मोम से एक आदमी की आकृति को गूंथती है, और उसको आग के सामने धधकती आग के लगा देती है उसमें, और कहती है कि जैसे ये कठपुतली आग पर नरम हो जाती है अग्नि, वैसे ही मेरे जो, जिसको मैं लव करती हूँ, उसका हाइट, उसका हार्ट भी सॉफ्ट हो जाए। अब ये तो हो गई हैं यंग लड़कियां। जो लड़कियां बहुत बड़ी हो गई हैं और उनको उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो वो जो है उसमें लिखा है, नौकरानी को एक चरवाहे की कुटिया में जाना चाहिए, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए कि वो देख रहे कुत्ते ना देख लें उसको कुटिया में जाते हुए। उसे मवेशी के कुंड से एक गांठ लेनी चाहिए, मतलब नमक की गांठ लेनी चाहिए, और उसके साथ घर पर जाए, फिर अगले दिन ठीक भोजन में ठीक से नमक डाले, और उसमें जो है मसाला डाले, भाग्य लाने वाला, या पौधा जैसे लहसुन, तुलसी के पत्ते, सदाबहार या देवदार की टहनी, और फिर आराम से खाना खाने के बाद उसको घर के अंदर ही रहना चाहिए पूरे दिन, और बिना प्यास बुझाए। फिर इसके दौरान अगली रात को भी उसे सपनों में एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति दिखाई देगा, जो उसको पानी लाएगा और उसके घर के मतलब मालिक होगा, और ये सपना जो है वो उसको हकीकत बन जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ कस्टम्स हैं, कुछ कुछ ये तरकीबें करते हैं, जिससे कि जो वुमन की बहुत समय से शादी नहीं हो रही है वो भी शादी हो जाए।
सॉरी, मैंने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे ध्यान नहीं दिया और गूगल ट्रांसलेट को ऐसे यूज़ किया, पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो ये भी तरीका है। तो आगे चलते हैं। अब लोग कहते हैं कामसूत्र में भी तो है, तो देखिए कामसूत्र में विभिन्न प्रथाओं पर खंड में लिखा है, जो स्त्री किसी पुरुष को ईख की नली पर वार करती सुनती है, पीड़ित होती है, तो ये कॉक्टस, ये बहुत सारी कामसूत्र में जो है ना, बहुत सारी औषधियों के बारे में लिखा है, जैसे कॉस्टस प्रजाति, तबर ना मोन्टाना, कारोनारिया फ्लेकोटिया, कैट फ्रैक्टा, पीनस डियोक डोरा और एस्टेर कांथा लोंगीफोलिया, ये सब बॉटनिकल नेम्स हैं। अगर आप इनको यूज करोगे तो अगला बंदा आपके अधीन हो जाएगा। पर अनुभाग में महिलाओं का जादू जो है, एक पत्तियों से भी एक मरहम बनाते हैं, वो पत्तियां हैं टैबर ने मोन्टाना की, कोरोनारिया की। कॉक्टस प्रजाति जो है अरबी शब्द है, और फ्लोकोटिया कैटाफ्रैक्टा ये जादू लाता है। एक और महरम तेल, तेल भी है एक, वो है रविया, प्रोकुम्बस की पत्तियों से बना हुआ तेल, सीडा कार्डिफोलिया, रोम्बोलिया, इचनोकार्पस फ्रूटसेंस या हेमीडेस्मस इंडियोकस, पीला अमेरंथ और नीला कमल। मालाएं भी इन्हीं से बुनी जाती हैं। वह जो चूर्ण का उपयोग करता है, सूखे नेम्बूमिम प्रजातियां, नीला कमल और मेसुआ रॉक्सबर्गी, शहद और पिघले हुए मक्खन के साथ वो लोलुप हो जाता है। टैबर ने मोन्टाना, कोरोनेरिया फ्लेकोटिया की पत्तियों से बंधा हुआ कैटफ्रैक्टा और जेंटोचाइमस पिक्टोरियस एक और मरहम बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ कामसूत्र में भी इतने सारी औषधियां दी हुई हैं, जिसके चूर्ण से जो है आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग कोई चीज गंदी नहीं मिलाते किसी के में। ये लोग टट्टी, जो ये नर पिशाच कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग टट्टी पेशाब और ये मिलाते हैं, ठीक है, थूक। तो ये क्यों मिलाते हैं आपको मालूम है? वो इसलिए मिलाते हैं कि इनको इतनी नॉलेज नहीं है बॉटनी की, जैसे हमारे अथर्ववेद में इतनी नॉलेज है, हमारे कामसूत्रा में नॉलेज दी हुई है अथर्ववेद वाली, तो ये सारी जो नॉलेज है प्लांट्स की, ये सब इनको नहीं है। ये लोग, इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है इस तरह की, जो जिसमें भी जान की विज्ञान की बातें हैं, वो इनको बिल्कुल जीरो साइंस है इनके अंदर, इनके अंदर बॉटनी जीरो है क्या? दूसरे को करें तो क्या मिला दें? टट्टी मिला दें, पेशाब मिला दें, तो ये इस तरह से करते हैं। अब देखिए, ऐसे हमारे यहाँ प्राचीन चीजों में औषधियां यूज होती थी, भाई दो लोगों को प्रभावित करने के लिए, उनको मलिन करने के लिए नहीं होती थी कि तुम उनका वही बिगाड़ दो धर्म और उनकी गंदी गंदी चीजें मिला दो। तो ये तो कामसूत्रा की बात है। अभी देखिए अथर्ववेद में, अथर्ववेद के आदेश के बाद श्मिट ने जो है इसका अनुवाद 467 में किया है, कि अधिग्रहण पर अध्याय में हवा से उड़े पत्ते, मृत्यु के अवशेष प्रसाद, मोर हड्डियों के प्रभाव के पाउडर के साथ जो है जादू बिखरता है, मृत मादा बाज का चूर्ण, मिला हुआ मधु और हरड़ के फलों का स्नान लाभदायक है। तो कोई ऐसी मादा बाज जो मरी हुई है, उसका चूर्ण और मधु में और हरड़ के फलों को मिला के और उसमें स्नान करो। यूफ्रोबिया नेरिफोलिया और यूफ्रोबिया एंटीकोरम में कटौती, मतलब टुकड़े, और लाल आर्सेनिक और सल्फर के साथ। अब हमें भी पता है कि सल्फर कितना इम्पोर्टेंट होता है, जो भी हमारे स्किन पर डिजीजेस होती है ना, वो सब सल्फर से चली जाती है। सूखे, अच्छा, 7 बार एक पाउडर में घिसकर और एफएम कोथ के साथ मिलाया जाता है। तो जब एक किसी युवती के ऊपर फेंकोगे तो वो जो है आपके साथ प्रेम करने लगेगी, ये उसको एक तरह से रोकने का तरीका है। इसी तरह एकोरस कैल्सम की जड़ की टुकड़े, धारियों से युक्त डालबर्गिया की खोखली शाखा में छिपा हुआ आम के पेड़ का तेल, सिसु का पेड़, 6 महीने बाद निकाला जाता है। इससे ना इत्र बनता है एक, और इसको कहते हैं देवताओं का
अत्यधिक कीमती इत्र जो भाग्य लाता है, मतलब आपके भाग्य में बढ़ोतरी हो जाएगी जब आप इसे तिल का इस इत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो बोस्निया पे वापस आ जाते हैं। बोस्निया में प्लेहाने नाम का एक कवि है, उसने एक कविता लिखी है, ये देखिए। अब इन ये बोस्निया यहाँ पर सारे ये जो नर पिशाच है ये क्या कैसी कविता बनाते हैं ये देखो जरा। हे युवती लाल सेब, गर्म गर्मी नहीं गुजरेगी पहले मैं तुम पर चढ़ूंगा। ओ मेरे प्रेमी मेरे एटलस बोल्स्टर, गर्मी नहीं गुजरेगी। गर्मी नहीं गुजरेगी मतलब जब तक गर्मियों का मौसम नहीं गुजरेगा तब तक मैं तुझ पर चढ़ूंगा। पहले मैं तुझ पे चढ़ूंगा, पहले मैं अपने आप को तुम्हारे नीचे रखूंगा। तो ये देखिए इनके दिमाग में सेक्स ही भरा हुआ है। अब आते हैं फारस पे। फारसी कवियों ने अपनी कविताओं में जिस प्रेम का गान किया है वो या तो प्रतीकात्मक है या बहुत ही गंदी है, अपवित्र शब्द हैं। जैसे फारसी आपको पता ही है, ये फारस शायद ईरान को कहते हैं। तो यहाँ पर इश्क लव हमेशा वास्ल यौन विचार के पहले यौन विचार करो फिर मिलाना। तो ये इनके दिमाग में सेक्स भरा हुआ है। यहाँ के कवि कितना गंदा गंदा अपवित्र शब्द यूज करते हैं। और अंधविश्वासों के उच्च वर्ग में फारसियों में कई आकर्षण है, यानी अंधविश्वास तो भरे पड़े हैं फारस में। जादू और भाग्यशाली सितारों के बारे में, विशेष रूप से प्यार के मामलों में, और बहुत प्रकार के साधन और ताबीज का भी ये लोग उपयोग करते हैं। और किसी आदमी को पकड़ने का मतलब कि उसको वश में करने का, और उसकी उसकी जो डेली एक्टिविटीज है उनमें हस्तक्षेप करने का। आपने देखा होगा कि मुसलमान ज्यादातर एक ताबीज तरह का पहनते हैं अपने गले में, राइट? तो ये ताबीज जो है ना अपने गले में पहनते हैं, तो ये फूंका वगैरह कराते हैं। ये कितने ये हम लोगों पर दोष मारते हैं कि हम लोग बड़े अंधविश्वासी हैं, पर दरअसल में तो ये सारे लोग अपनी आंखों में काजल लगाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि काजल लगाने से कोई इनकी आंखों के अंदर से प्रवेश नहीं कर जाएगा। और प्रिकॉशन लेते हैं। मेरा एक मुसलमान प्रोफेसर था जब मैं मास्टर्स कर रही थी, वो कल्चरल मैनेजमेंट का प्रोफेसर था और वो मुसलमान देश का था। तो एक बार ना उसने मेरे कंट्री के बारे में मजाक बनाया और कुंभ का मेला और वो सब नंगे नंगे साधु दिखाने लगा वहां यहाँ पर वाइट्स को। मेरी क्लास में एक भी इंडियन नहीं था, मैं ही एक अकेली थी और बाकी सारे कुछ अरबी थे और वैसे थे, तो ज्यादातर वाइट्स थे मेरी मास्टर्स वाली क्लास में। तो वो सारे हंसने लगे, मुझे इतना बुरा लगा। तो मैंने सबसे पहले जब मैं यहाँ आई थी कनाडा तब की बात है, और तब मेरे को इतनी शर्मिंदगी हुई और उसने और मेरा मुंह उतर गया और मैंने ऐसे बोला ये झूठ है और ये वो। तो उसने मेरे को अपने अपने ऑफिस में बुलाया। मैं उसके ऑफिस में गई ना तो उसने सामने कोई भी कुर्सियां नहीं रखी, साइड में रख रखी थी कुर्सियां, यानी कि वो किसी कोई उसकी आंख में ना देख ले। तो कोई उसकी आंख में ना देख ले, यानी कि ये लोग इतने चालाक हैं, ये दूसरों की आंखों में देखते हैं और दूसरों को आंखों से प्रभावित करते हैं, तभी तो अपनी आंखें बचा के रखना चाहते हैं काजल लगा लगा के, ताबीज पहन पहन के, और इस तरह के गंडा ताबीज और ये सब यही लोग ज्यादा पहनते हैं। और इनकी कवि जो है ना वो गंदी गंदी कविताएं लिखते हैं और इनके यहाँ बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। आगे चलते हैं। अभी फारस में डॉक्टर पोलक एक प्रसिद्ध मीनार के बारे में बताते हैं जहां के पास लड़कियां और विधवाएं जो हैं वो दांव लगाती हैं आदमी को पाने के लिए। वे दो चरणों में सवारी करते हैं, एक हर एक पर एक अखरोट रखा जाता है, और उस समय जो भी यात्री वहां से निकलेगा वो अगर अखरोट को तोड़ देता है, मतलब उस पर पांव रख के वो अखरोट फूट जाता है तो वो उसको मिल जाएगा, वो आदमी वश में हो जाएगा। इसी तरह टर्की में ऐसा कहा जाता है कि तुर्की में आचमेद थ्री के समय में रक्का के राजपाल की रिपोर्ट पर फारसी शाह को अबू बकर और उपनामों उसके उपनाम थे सियादा रेपियस से जाना जाता है,
उसने जादू की कला से मूर्ख बनाया और महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, फिर उन्हें मार डाला। इतिहास हमें उसी रईस के शान में एक उदाहरण के रूप में बताता है कि प्रेम जगाने का विचार मात्र को मौत की सजा दी गई। मतलब कि ये जो एक सुल्तान था यहाँ का, जो एटमर थ्री का रूल था उस समय टर्की में, तो उसके उसकी एक मिस्ट्रेस थी, उसके बारे उसका प्रेम जगाना किसी ने जगाया, किसी आदमी ने, मतलब ये बता रहा है कि किसी आदमी ने उसका प्रेम जगाने की कोशिश करी, तो खाली प्रेम जगाने के लिए उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। वैसे तो ये जितने भी मुसलमान देश हैं इनमें हमेशा आदमियों को प्रेफरेंस मिलती है, आदमी चाहे रेप भी कर ले वो छूट जाता है, पर महिला छोटे छोटे अपराधों में घर से बाहर निकलने के बिना किसी को कंपनी करे उसमें भी वो अपराधी घोषित होती हैं, जबकि आदमी रेप करके भी छूट जाता है। ऐसे देशों में उस आदमी को मौत की सजा इसलिए दी गई क्योंकि उसने सुल्तान की जो वो थी के घर के परिवार की महिला के प्रेम को जगाने के लिए टोटका किया था। और वो उसका भतीजा था, लेकिन वो जो सुल्तान की एक महिला थी इसलिए उसको जो है मार डाला गया। राशिद जो है वो नाजुक ढंग से कहते हैं कि अभी तक स्पष्ट रूप से उस्मान के इतिहास में कुछ भी सम्राट के हरम को अपवित्र करने के अपराध से बढ़कर नहीं है। यानी कि आपने कुछ भी किया हो, अगर आपने हरम को अपवित्र किया है, अब हरम में कौन रहता है? माले गनीमत, यानी माले गनीमत को भी आपको इजाजत नहीं है उसको अपवित्र करने की, वो सम्राट के लिए है एक्सक्लूसिव। यानी कि ये दंड जो है वो किस लारगा, ये वहां का प्रधान हिजड़ा है जो हरम को देखता है। और ये लोग क्या करते थे, जैसे कोई आपने वो जो बड़ी फेमस पिक्चर है मम्मी वो भी देखी है ना, तो उसमें भी आपने देखा था कि वो जो प्रीस्ट था उसको इन्होंने किसी की ममीफाई कर दिया, क्योंकि उसकी सजा ये थी कि उसने प्यार किया था एक लड़की से जो कि रखेल थी, जो बादशाह था उसकी रखेल थी। तो हम जो ये हरम में रखते हैं औरतों को, वो भी जो है जो वहां पर हिजड़ा एक रखा जाता है, या कोई आदमी को हिजड़ा बना के रखा जाता है, उसके बॉल्स काट के उसको हिजड़ा बना के फिर वहां पर हरम की रखवाली करने को रखा जाता है, और वही डिसाइड करता है कौन क्या करेगा। कोई हरम में जाकर उन किडनैप करी हुई और कैप्टिव और स्लेव विमेन को भी नहीं अपवित्र कर सकता, अपवित्र मतलब सम्राट के लिए अपवित्र, यानी कि अगर वो सम्राट की रखेले हैं, स्लेव गर्ल्स हैं, तो उनको दूसरा नहीं कोई ले सकता। तो आगे चलते हैं, फारस में हैमर के लिए एक और दिलचस्प घटना है कि एक अमीर फारसी अर्मनाई के साथ हुआ था। आर्मेनिया का व्यक्ति है जो एक्चुअली में फारसी था, आर्मेनिया में रहता था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से गमिश मेमडस सिल्वर मास। अफवाह ये है कि उसने वो एक अनैतिक महिला के साथ सहवास करता था उसके पिता पति की अनुपस्थिति में, तो उसको न्यायालय के समक्ष लाया गया, उसको फांसी की सजा दी गई क्योंकि यहाँ पर उसने जिना किया था, एक एक मैरिड वुमेन के साथ उसने सेक्स किया था। तो ये अमीर था लेकिन फिर भी इसको फांसी की सजा हुई। तुर्की में लव फिजियोलॉजिस्ट रक्त शपथ की सिफारिश करता है, यानी कि अगर आपको ओथ लेनी है तो ब्लड से लेनी पड़ेगी। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहता है, मतलब यहाँ पर ये बोलते हैं मुसलमानों में प्यार का मतलब होता है सेक्स, तो प्राच्यवासियों के बीच प्यार जो है वो सहवास है। मतलब ये लोग अगर किसी को कहते हैं ना कि हम किसी को प्यार करते हैं, तो इसका मतलब कि वो सेक्स की इच्छा रखते हैं, इनके लिए प्यार का मतलब फिजिकल रिलेशनशिप है। और अगर महिला ऑपोजिट में खड़ी है
तो वो अगर उसकी आंखों में देखता है तो उससे सारी आशाएं और अपनी इच्छाएं रखता है। यदि वो प्रिय स्त्री पर टकटकी लगाए रहता है, अब ये देखिए, ये भी एक बात है कि अगर ये किसी की आंखों में देखते हैं और उसको घूरते रहते हैं, तो उसकी आंखों में घूरना चाहिए और फिर रक्त शुरू करने के लिए अपने बाएं हाथ को पर्याप्त रूप से दबाएं, गति में, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड को दबाएं बांह को, और जब वो स्त्री निकट हो तो उसे कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है, और इसलिए ये निश्चय है कि मेरा लहू तेरे सामने सूख जाएगा, आप पर कब्जा करने की चाहत जो है वो दम घोंट सकती है। तो ये सब करेगा वो, तो स्त्री के अंगों में एक जलन पैदा होगी और उसके शरीर के ऊपर कामुकता को मालकिन बना देगी, मतलब उसके अंदर कामुकता आ जाएगी, और स्त्री के सब अंगों में सबसे प्रभावशाली अंग कौन सा है? गर्भ है। तो गर्भ उसे विरोध करने के लिए, विरोध छोड़ने के लिए विवश करता है और प्रिय व्यक्ति को उसके प्रेमी की बाहों में ले जाता है। तो ये मतलब समझे आप कि टर्की के जो मुसलमान है, टर्की जो अपने आप को बड़ा खलीफा समझता है सारे मुसलमान देशों का, तो उसके यहाँ क्या प्रचलन है कि अगर कोई प्रिय वुमन सामने खड़ी हो तो वो अपनी बांह को दबाए और बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है, ऐसा बोल के और दबाए अपनी बांह को और लेफ्ट आर्म को, और जब ये ऐसा बोलेगा, जब और अपनी बांह को घुमाए और टकटकी लगा के घूरता रहे उस वुमन की आंख में, तो वो वश में हो जाएगी और उसके शरीर में एक जलन पैदा होगी और उसका जो गर्भ है उसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जलन होगी, क्योंकि वो सबसे कामुक अंग है, और वो उसके ऊपर कामुकता छा जाएगी, लस्ट छा जाएगी, और वो वुमन दौड़ के इसकी बाहों में आ जाएगी। देखा? अच्छा, अभी देखो ना, ये जो मूवी है, क्या नाम है उसका, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब उसे ऐसे करके शाहरुख खड़ा होता है अपनी बाहें खोल के, ये वो, ये क्या तरीका है? अच्छा, इनके यहाँ कुछ नहीं होता, लव का मतलब है सेक्स बस, सहवास, इनके यहाँ प्यार भावनात्मक कुछ नहीं है, हर कुछ का मतलब है सहवास का। आगे चलते हैं, ये तो मैंने किताब खोल ली। तो ये है टर्की जो कि मुस्लिम है, और ये रक्त से शपथ लेते हैं। अगर ये तरीका पहली बार काम नहीं करता, अब मान लो कि ये वो वुमन के साथ काम नहीं हुआ, वो बड़ी प्रीस्ट निकली, बड़ी बड़ी का जितेंद्र है वो, मतलब बहुत ज्यादा अपने उस पर काबू करने वाली है, तो अपने प्रिय को भेजना चाहिए लाल गुलाब। तो जिसको ये लाल गुलाब भेजते हैं, जिस पर उसने अपनी पूरी आत्मा और मनोकामना को 3 बार दोहराया है, ठीक है, तो अगर वो तरीका काम नहीं करे तो फिर लाल गुलाब भेजो उसको, और फिर जो गुलाब है उसके ऊपर अपनी मनोकामना को 3 बार बोलो। यदि तुम स्त्री के निकट आ सकते हो तो अपनी दृष्टि से मोहित करो, उसे आज्ञा दो कि तुमसे प्यार करना और तुम्हारा होना, यानी कि तुम उसको अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से बहुत मोहित करो, टकटकी लगा के, तो तुम पहले से ही देख रहे हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित करो, स्माइल करो, उसकी तरफ ही देखते रहो, और यदि आप उसके करीब नहीं आ सकते या आपके पास उससे बात करने, अपनी तर्जनी से उसके माथे को छूने के लिए कोई अवसर नहीं है, यानी कि वो इतना करीब नहीं है कि अपनी उंगली से उसके माथे को छू सके, तो फिर सवारी करें, मतलब उसकी खिड़की के सामने अपने घोड़े को दौड़ाएं, या फिर कोई कार में है आजकल, या फिर घंटों खड़े रहें उसके घर से बहुत पहले और उसको लगातार घूरते रहें। देखा आपने?
कि अगर वो तरीका काम नहीं कर रहा है कि आप लेफ्ट हैंड दबा के ला इलाहा इल्ला बोले और उस लड़की लड़की की आंखों में टकटकी लगा के देखते रहें और उसकी सारे अंगों में जलन होने लगेगी, तो वो अपने आपको भाग के आपके उसके ऊपर कामुकता सवार हो जाएगी और वो आपको भाग के आपकी बाहों में समा जाएगी। और अगर ये तरीका काम न करे तो एक लाल गुलाब का फूल लें और उसके ऊपर अपनी सारी आत्मा अपनी मनोकामना उड़ेल दें, तीन तीन बार बोले उस लाल गुलाब को, उसको प्रेजेंट करें। और ये भी तरीका काम न करे तो फिर आप तेजी से उसके घर की खिड़की के सामने तेजी से अपने आप को दौड़ाएं घोड़े पर या कार में आजकल। तो इस तरह से ये लोग वश में करने के ये ट्रिक्स हैं। अभी देखो आगे नेक्स्ट क्या है कि यदि आप हाँ, संगीत और गीत ये भी प्रेम जादू की शक्तिशाली विधियां है। अब देखिए इनके यहाँ संगीत की मनाही है लेकिन फिर भी ये जो बॉलीवुडिया है, कितने सारे मुसलमान हैं जो संगीत में लगे हुए हैं और सब लड़के लड़के, विमेन नहीं आदमी आदमी, दूसरों को फंसाने के लिए। चाहे देखो अब अमजद अली खान हो गया और तबला मास्टर, और ये जो आपका भी जो गाना गाता है वो हो गया, कितने सारे यहाँ लोग हैं जो संगीत और गीत ये सब करके और लड़कियों को फंसाते हैं। अभी कहता है एक नजर से पैदा होने वाले आकर्षण को कहा जाता है असीमा, यानी कि फर्स्ट जो बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, उसको ये लोग असीमा बोलते हैं। जो अच्छा सुझाव है उसको कहते हैं अहम, और जो बुरा सुझाव है उसको कहते हैं शेरर यानी रोरर। तो असी माह की एक टहनी, ये एक पेड़ ईर्ष्या या मोह है, यानी कि जो एक नजर में जो प्यार होता है उसकी एक ब्रांच कह लीजिए जेलसी भी है या अटैचमेंट। जैसे ही दृष्टि का आकर्षण प्रभावी होने लगता है और आप मंत्रमुग्ध व्यक्ति निकट होता है तो अपना हाथ सुनने वाले के सिर पर रखें और उसे अधिकार के साथ अपनी बोली लगाने की आज्ञा दें, लेकिन मधुर स्वर में और धीरे से। यानी कि आपको आपने जो है एक नजर में उसको प्यार कर लिया तो अब उसके सिर पर हाथ रखें और उससे बोले कि अपनी बोली लगाओ बड़े मधुर स्वर में, यानी कि ये मुता निकाह तरह की बात है, हो गई ना मुता निकाह की। और अगर वह भीड़ के बीच में है तो उसे कहे मेरे पीछे आओ, यानी भीड़ में ये बात मत बोलो अकेले में बोलो, अगर भीड़ में है तो उसको दूसरी तरफ ले जाओ, बोलो मेरे पीछे आओ। यह आकर्षण एक के साथ भी काम करता है, वह महिला जिसे कोई जानवर के रूप में अपने पास रखना चाहता है या वश में करना चाहता है। देखा आपने कि जानवर की तरह उसको, यानी कि उसको वो एक स्लेव बनाकर एक पशु की तरह रखना चाहता है जिस लड़की को उसके साथ ये काम करेगा कि वो उसके पहले टकटकी लगा के देखेगा आकर्षण से, फिर वो करीब में होगी तो उसके सिर पर हाथ रख देगा, और अगर वो भीड़ में होगी तो बोलेगा मेरे पीछे आओ, तो अलग ले जाएगा तो, और अपनी बोली लगाने को बोलेगा, यानी कि तू अपना रेट बता सेक्स करने का, प्यार मतलब सेक्स करना। ये कहा अच्छा, तो आगे देखते हैं। मोरक्को में, ये भी एक मुस्लिम कंट्री है मोरक्को, मोरक्को में चमगादड़ की खाल को रसिन की जड़ के साथ मिला के धूम्रपान किया जाता है। अगर महिला इस उपाय को करती है तो वो अपने विश्वासघाती पति के कपड़ों में इसको इसको रख देती है, क्योंकि वो तो धूम्रपान नहीं करेगी तो वो उसको पति के कपड़ों में रख दे तो उसका प्यार वापस जीत सकती है। तो मोरक्को में ये होता है। सीरिया में, सीरिया भी मुस्लिम देश है, सीरियाई इजुब अबेला के अनुसार निम्नलिखित रीति रिवाज सीरिया में प्रचलित हैं। संख्या जो विषयों का अनुपात बताता है उसका शुद्ध होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यह सटीक है तो एक महिला को खतरा है अगर वो अपने पहले पति को खो देती है तो एक से अधिक पुरुषों से शादी करेगी उसकी मृत्यु के माध्यम से, या फिर वो उसे अस्वीकार करता है। यानी कि जो संख्याएं हैं यहाँ पर, जो नंबर्स हैं वो ये बता देते हैं कि महिला को कितना खतरा है।
अगर वो डाइवोर्सी है या विडोअर है तो ये नंबर से पता चलता है। यदि स्त्री विषय जो उसके अनुपात में उसका पति खड़ा है या उल्टा पड़ा है उसके साथ शरारत करनी चाहिए, तो मैं तो इससे इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके पढ़ती तो ज्यादा अच्छा था। हिंदी में कन्वर्ट करने से ही कुछ उलझुल सा कन्वर्ट हो गया है। तो अगर कोई विमेन प्रॉब्लम है तो अगर उसका हस्बैंड जो है उल्टा लेटा हुआ है तो फिर उसको कोई ना कोई शरारत करनी चाहिए। अगर वो अनजाने में दूसरी महिला का जूता पहनती है तो वो अपने पति को खो देगी मृत्यु के माध्यम से, यानी कि उसका हस्बैंड मर जाएगा अगर वो किसी और वुमन का जूता पहनती है। तो एक महिला को किसी अन्य महिला को अपने बाल में फूल नहीं लगाने देना चाहिए। वो फूलों के साथ उसके पति का प्यार ले जाता है, ले जाती है। यानी एक वुमेन दूसरी वुमेन के सिर के बालों में फूल न लगाए, क्योंकि जो फूल लगाने वाली है वो उसके हस्बैंड का प्यार भी चुरा लेगी। अच्छा, सीरिया में ईसाई भी रहते हैं और वो मानते हैं कि जो सूरज उगने के साथ ही साथ उठता है और घर छोड़ देता है तो उसका पति उससे प्यार नहीं करता। अच्छा, अब आते हैं मोहम्मदन के ऊपर। तो प्लीज सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए। अब मैं बता रही हूँ मोहम्मदन के बारे में कि ये मोहम्मदन, अब उस रहस्य पे आती हूँ कि ये लोग क्यों मिलावट करते हैं मुसलमान। चलिए, 20 लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर कर दीजिए। मोहम्मदन लोग कि मोहम्मदन महिला, मोहम्मदन बोलते हैं मुसलमानों को क्योंकि वो मोहम्मद को मानते हैं, इसलिए मोहम्मदन बोला जाता है। मोहम्मद की सुन्नत है ना, तो सारे मोहम्मद को फॉलो करते हैं। मोहम्मदन महिला जब वो स्नान कर रही होती है, यदि उस समय समुद्र में उफान आना शुरू हो जाए, मतलब बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो ये इंगित करता है कि उसका पति उससे विरक्त हो रहा है, यानी कि उससे डिटैच हो रहा है, मतलब दूर जा रहा है। अच्छा, पीड़ित महिला या कोई आदमी भी चुपके से एक पेय में अपना पेशाब अंदर डाल दे, ठीक है, अगर वो यूरिन मिक्स कर दे तो वो अपने विश्वासघाती पति को देती है, नतीजन उसे फिर से उससे प्यार हो जाता है। तो ये लोग पेशाब जो है वो प्यार पैदा करने के लिए, कि आप उनके वश में रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सच्चाई का पता चल जाए और आप उनसे किनारा कर लें, आप उनके वश में रहें। अगर वो प्यार जगाना चाहते हैं, निश्चित आदमी तत्काल प्रभाव, जिसे महिलाएं मूत्र के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं, युवा युवतियों को उनके मासिक प्रवाह की एक बूंद उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतिम उल्लिखित अंधविश्वास न केवल पूर्व में लेकिन मध्य यूरोप में भी मौजूद है। यानी कि या तो अपने पीरियड का एक बूंद ये कोई वुमेन कर सकती है, या फिर आदमी जो है वो पेशाब पिलाता है। तो ये लोग पेशाब पिलाते हैं दूसरों को ताकि उनको वश में कर सके, ये है इसका कारण। वरना ये जो मोहम्मद था ये हर चीज में अपनी पेशाब डाल देता था, थूक देता था, तो ये क्यों करता था ऐसा? वो इसलिए, अच्छा मान लो, मैं इतना भी कहती हूँ, मान लो कोई उसकी पेशाब पीना पसंद करता हो या थूक खाना या टट्टी खाना या जो भी, तो लोग अपने मन से करें ना। ये यहाँ पर तो खुद ही जाके उनके खानों में थूक रहा है, इसे क्या जरूरत है दूसरों के खाने में थूकने की? चलो, दूसरा अगर तुमको इतना मान रहा है कि तुम्हारा थूक खा रहा है या पेशाब पी रहा है तो वो दूसरा कर रहा है, तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम अपने आप को खुद से नबी बोलने लगो? और तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम जाके जबरदस्ती अपने दूसरों के खाने में मिलावटें करो और उन गंदी गंदी चीजें डालो? ये बताओ मुझे कोई आके कि ये कौन सा तरीका है। मैंने इनवाइट तो दिया नहीं और लोगों से बोल रही हूँ कि मुझे बताओ जरा, कहाँ से बताएंगे वो? मैंने इनवाइट दे दिया है, 1 मिनट पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो ये देखो कि ये आंदोलन जी, एक बात बताओ कि कोई अगर मान लो किसी को इतना पूछ रहा है कि वो उसकी टट्टी पेशाब खा पी रहा है, तो चलो उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, पर
ये मोहम्मद क्यों जा जाके दूसरों के खाने में थूक रहा है, पेशाब मिला रहा है, ये बताओ उसको क्या है? वो क्यों दूसरों को कर रहा है? वो इसलिए कि वो दूसरों को वश में करना चाहता है। ये वश में करने की टेक्निक है। तब मैं बताऊं कि यहां पर वो पेशाब को अंदर डाल देते हैं ताकि वो दूसरे को उससे प्यार हो जाए। सीरिया में एक आदमी अपनी पत्नी को के प्यार को फिर से जगाना चाहता है तो वो उसे अपने नाखून काटने चाहिए और कटे हुए भाग को जला दे और राख को चुपचाप पेय में अपनी पत्नी के पेय में या भोजन में डाल दे, यानी अपने नाखूनों को काट के जला के और उसको मिला के दे दे। यानी ये सब चीजें जो है मुसलमान देशों में मिलेंगी। अभी देखो हमारे थोड़ा सा और रहता है, बोस्निया में अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के प्रति विश्वासघाती है, यानी आदमी ने धोखा किया है पत्नी के साथ, तो वो पीड़ित जो है, जो महिला है, वो जो विक्टिम के घर में जाएगी, वहां से एक मेंढक लाएगी और उसको ओपन पैन में और खोले कोयले की आग में भूनेगी, तो वो उस बेचारे जानवर को दर्द होगा ना, तो वो दर्द होगा तो विश्वासघाती पति जो है उसके अंदर दोबारा से प्यार हो जाएगा इसके लिए। देखो इनके तरीके, इनके जो ये जितने भी मैंने आपको देश दिखाए ये सारे मुसलमान देश हैं और इसमें अलग अलग तरह से क्रूरता करके दूसरे को वश में कर रहे हैं। तो इतनी ही थी मेरी प्रेजेंटेशन और बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहती थी कि ये लोग जो हैं वो अपना पेशाब और ये सब दूसरे को वश में करने के लिए करते हैं। अब देखिए कि हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है और जो अथर्ववेद है, कामसूत्रा है, इसमें औषधियां लिखी हुई हैं कि हाँ इनसे कुछ वैसा इफेक्ट होता है कि कोई जो है थोड़ा सा उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स आ सकती हैं, इस तरह की चीजें हैं। और जो जो बेवकूफ है, जो दूसरों से कॉपी पेस्ट करता है, जो मूर्ख वाला मजहब है जिसने कि बाइबल और जूडिज्म से कॉपी किया है, अब उन पर दिमाग तो है, तो वो उनके पास औषधियों की नॉलेज भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने उनको कोई बॉटनी की नॉलेज नहीं है, ना पेड़ों की जड़ों की नॉलेज है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे आसान का मूर्खों वाला, कि अपनी पेशाब मिला दो, अपनी गंदगी मिला दो। जी जय हिंदू राष्ट्र आंदोलन आंदोलन जी, आपका स्वागत है, बोलिए आप क्या बोलते हैं आज के विषय में। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैडम मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मेरा जितना सोचना है, मैं सोच मुझे लगता है कि ये ऐसा करके ये कुछ साइकोलॉजिकल इनके ऊपर इफेक्ट होता होगा कि यार मैंने इसको मतलब नीचा दिखा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको अपना ये खिला दिया, ये पिला दिया। देखो अगर ये वाली आपकी बात सच होती है कि ये सोचते नीचा दिखाने को, तो मोहम्मद थोड़ी ना दूसरों के, ये कितनी सारी हदीसों में लिखा है कि मोहम्मद जहाँ ब्रेड बन रही होती थी वहां ब्रेड में थूक देता था, जिसके घर में जाता था वहां कुआं होता था तो कुएं में पिशाब कर देता था। सोचो कि एक रेगिस्तान में कुआं कितनी बड़ी दौलत है, वहां पर जाके उसके कुएं में पिशाब कर देता था। उस कुएं का नाम हो गया अलबरूद, क्योंकि उसका पानी मीठा था। यानी कि ये जो मोहम्मद था ये डायबिटिक था, और इस जो डायबिटिक होते हैं जैसे मैं हूं, तो हमारी पिशाब थोड़ी मीठी होती है। तो ये लोग जो हैं, तो ये बताओ कि अगर आप जो कह रहे हो कि नीचा दिखाने को करता है, तो नीचा दिखाने को मोहम्मद क्यों अपने ही मुसलमान सहाबियों के घर में थूक और ये पेशाब और ये सब मिलाता था वश में करने के लिए, ये टोटके की तरह से? क्योंकि हम लोग तो आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग तो जड़ें और पेड़ों की और ये सब है हमारे ग्रंथों में दिया, इनको नॉलेज है नहीं, ये भी कुछ करना चाहते हैं, तो इनको इनको कुछ आता तो है नहीं, तो अब ये जो बेवकूफ मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो इस तरह के काम करेगा? जी जी सही कह रही हैं आप, क्योंकि इन्हें लगता है कि दूसरे को, और आपकी बात में भी एक सच्चाई है कि ये लोग नीचा तो दिखाना चाहते हैं, जैसे हमारे घर मंदिरों को ये तोड़ते थे और तो मूर्तियों को उठा के ले जाकर और मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाते थे, तो इनको मजा आता था। तो इन्होंने यही काम तो उसके साथ भी किया, ज्ञानवापी जो मस्जिद है के अंदर से जो ज्ञानवापी मंदिर है, इनको कुछ भी नहीं आता, इनके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं है, ना तो ये कोई आर्किटेक्चर बना पाते हैं,
ना ही इनको कोई बॉटनी की नॉलेज है, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है अच्छी। रेगिस्तान के रहने वाले थे, ये जब कुछ देखेंगे ही नहीं, जानेंगे नहीं, तो इन्हें क्या नॉलेज होगा। हमारे यहाँ तो प्राकृतिक संसाधन थे, हमारे ऋषि मुनि उसका उसका निरीक्षण करते थे कि कौन सा वृक्ष या पौधा क्या है, इसका क्या असर है। तो वो धीरे 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 अपना उन्होंने सीखा, ज्ञान लिया। उनके यहाँ तो रेगिस्तान था, वो बेचारे करेंगे तो करेंगे क्या है, एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे, यही मतलब कि सब देखो, करेंगे। एक एक बंदे को फॉलो करना एक बात होती है, पर तुम उसका टट्टी पिशाब भी पी रहे हो। यानी कि इसने उस इतने हद तक माइक कंट्रोल कर लिया था इन लोगों को, कि इनके जीवनों को, कि हर वक्त वो सोचते रहें कि हम दायां पैर रखें, बायां पैर रखें, ये करें, वो करें। मैंने एक मुसलमान से बोला, तुम्हारी किताब में है क्या अच्छा ये बताओ। तो उसने कहा, मेरी किताब में ना सब कुछ दिया हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हाँ, मॉर्निंग से उठो तो कैसे नहाओ, कैसे पेशाब जाओ, कैसे ये। तो क्या ये चीजें इतना ज्यादा लिखना है, एक तरह का माइक्रो कंट्रोल करना है दूसरे को, यानी दूसरा तुम्हारे वश में हर वक्त रहे। जी, और एक बात और मैम, कि थोड़ा ये इस बात से अलग है थोड़ी बात। वो जैसे कि मैम, ये जो दानव कम्युनिटी है, ये लोग ना, इन लोगों को मालूम है कि हिंदू जो होते हैं उन वो कहीं ना कहीं बेचारे दिल से मजबूर ही हो जाते हैं, तो उनको पता रहता है कि ये दिल दिल इनके अंदर होता है। तो हमें भी मैडम ना, हिंदुओं को सनातनियों को एक चीज एकदम गार्ड बांध लेनी चाहिए कि इन इनके इनके विषय में जहाँ कोई मामला आएगा तो अपने दिल दिल उनको साइड कर देंगे, दिमाग से सोचेंगे और कभी भी बिलीव नहीं करेंगे इनका, हमेशा इनसे सतर्क रहेंगे, कभी भी इनकी बातों में सबसे नहीं बेस्ट आएंगे। बात यह है कि बॉयकॉट करो, नो बिंदी नो बिजनेस, और दूसरे की इनके यहाँ कुछ भी मत खाओ, कुछ भी मत जी खाओ, क्योंकि यहाँ तक कि वेजिटेरियन भी मत खाओ, क्योंकि ये लोग सब चीजों में मिलावट करते हैं। जी जी बी मैम, के ये एस जी, जय जय हिंदू राष्ट्र, बोलिए। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। हे भगवान, इन मुल्लों को उठा ले, हमें नहीं, इन मुल्लों मुसलमानों मोमिनों को उठा ले। इस पृथ्वी में इतना गंदगी मचा देखिए, के खाली रखे इतना हैं। ही बोलिए, इतना ही बोलिए कि नर पिशाचों को, आपने यहाँ पर जो बात कही ये सही नहीं थी। आपने ये लाइव शो में इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं कि इन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम लेके कि इनको उठा ले, ये मैं सही अपने नहीं। भगवान को बोल रहा हूँ, वो जो अल्लाह का देखिए, बल्ला तो जो नहीं लोग बोल गलत काम करते हैं उनको उठा ले ईश्वर, ये कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये मत कहिए एक कम्युनिटी को, अगर कहना ही है तो बोलिए नर पिशाच कम्युनिटी को, लेकिन जब आप एक कम्युनिटी जिसका नाम नोन है, ऐसे मत कहिए, जो गंदे लोग हैं उनको उठा लीजिए ईश्वर, बस ये। रहा। इनकी सोच, इनकी समझ लगता है सिर्फ पेशाब टट्टी बट्टी में ही रह गई, आगे तो बढ़ी ही नहीं। हमारे वेदों को क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं, लेकिन ये अपने किताब को नहीं देखते, अपने हदीसों को नहीं देखते, कुरानों को नहीं देखते, अपनी सोच को नहीं देखते। यदि अपनी सोच बदले तो शायद मनुष्यता जाग जाएगी, लेकिन मनुष्यता जागेगी कब, जब ये अपनी सोच बदलेंगे। ये सिर्फ जानते सब हैं, लेकिन अपने अड़ियल रवैये के कारण उसी गंदगी में गिरे रहना चाहते हैं, और हम लोग उनके सब कुछ जानने लगे हैं तो अब अलतकिया भी कर नहीं सकते, क्योंकि आपके स्ट्रीम में वो जो आया वो भी सब जानता है, लेकिन वो अपने अड़ियल रवैये में है। उसको सिर्फ एक चीज दिखता है, कहीं यदि अल्लाह वाला जिंदा होगा तो उसको ले जाके जहन्नुम में जलाएगा, उसको ये डर लगता है, लेकिन ये नहीं जानता कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही हमें सब भोगना है। गरीबी अमीरी, खुशी और दुख, ये दो हम लोगों के आगे पीछे ही चलते हैं। वहां ऊपर को क्या हिसाब होगा कोई नहीं जानता, ऊपर की सोच छोड़ दो, इसी पृथ्वी में जो मिलने वाला है सो मिलने वाला है, ऊपर तो कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा है, अजर अमर है, वो अपने इस ढांचे को छोड़ के निकल जाएगी तो वापस नहीं आने वाली, जब इस ऊपर वाला चाहेगा
जिस निर्माण को वो वापस बनाना चाहेगा उस निर्माण में डालेगा, ना कि जैसे कोई दे उसका अल्लाह वैसे होगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। यदि मैं जितना गलत काम कर रहा हूं तो मुझे पुनर्जन्म देगा, दूसरा जन्म देगा, उसमें भोगाएगा, ना कि ऐसे जाके जहन्नुम में जलाएगा कि नरक में भोगाएगा। ये गलत है, ये झूठा है सब। मुझे यही पृथ्वी में सब भोगना पड़ेगा। भोगता है इंसान, हम भी भोगते हैं, दूसरा भी भोगता है। जैसे एक साथ में पूरा घर खत्म हो जाता है, पूरा परिवार उसका खत्म हो जाता है, कहते हैं भगवान मेरा पूरा लाइफ खत्म कर दिया। वो जो हम लोग गलती किए होंगे ना, उसका भुगते हैं, ना कि अपना कुछ अच्छा होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, कहीं खुशी कहीं गम, यही है दुनिया की रीत। और चाहे कोई कहे अल्लाह मालिक है, तो आखिर भगवान मालिक है, भगवान मालिक है तो वहां है जहां उसका जगह होगा। वो जगह ना हम देखे हैं ना कोई देखा है। हमें मनुष्य बन के रहना, ना कि शैतान, ना ही नर पिशाच। ये नर पिशाच लोग कमेंट्री ऐसे ही करेंगे बस। जी, और कोई आके अपने विचार रखना चाहता है तो प्लीज आ जाइए। कोई नहीं आएगा तो फिर मैं स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी। मुझे बस यही बताना था कि चूंकि इन लोगों में दिमाग तो है नहीं, दूसरों का कॉपी पेस्ट करते हैं, नकल के लिए भी अकल चाहिए इनके। इन्होंने हर चीज में नकल करी है दूसरों की, और ये इनके पास अकल तो है नहीं, तो अब ये वशीभूत करने के लिए इनको आयुर्वेद का ज्ञान होना पड़ेगा, बॉटनिकल ज्ञान होना पड़ेगा। ये सब ज्ञान हासिल करने की बजाय इन्होंने सोचा सस्ता तरीका यही है कि तुमको गंदगी मिला दो। कुछ एक बात है कि आंदोलन जी, मैं आपकी पूरी बात से असहमत पूरी तरह नहीं हूँ, मतलब मैं सहमत भी हूँ आपकी थोड़ी सी बात पे, कि इनको कुछ शौक भी है गंदगी खिलाने का। ये आप सत्य बात कह रहे हैं, मतलब वश में करने की जो मैंने बात कही है वो तो है ही, पर ये जो आपने कही ना कि इनके अंदर ये भी चीज होती है कुछ, कि दूसरे को नीचा दिखाना, मतलब दूसरे के संग गंदगी करना, इसमें भी इनको मजा आता है। एक कोई केपी ब्राजी जुड़े हैं, तो केपी ब्राजी इसमें आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम हैं? ब्रो केपी ब्रो जी बोलिए, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम है? आपकी आवाज नहीं आ रही केपी ब्रो जी। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर आपकी आवाज नहीं आई तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। 1 2 3, मुझे रिमूव करना पड़ा इनको, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन है। तो अगर आप आते हैं तो प्लीज पूरा करें। इसमें एक बात है, मैं इनकी इस बात में कह सकता हूँ, ये लोग इसलिए मिलाते हैं कि जो जीवाणु खतरनाक जीवाणु है, तो आम इंसान जो हिंदू है वो मरीज बन जाए, उसको हमेशा दवा खाने जाना पड़े, वो ऐसे ही इनका कीटाणु खा के मर जाए, ये चाहते हैं। ना कि इनकी आदत कुछ नहीं है, इनको खुशी यही आती कि ये लोग वो जीवाणु खाएं और मरे। पेशाब में इतना खतरनाक जीवाणु होते बच हैं, में रहे, पेट में यहाँ इतना से शुरू खतरनाक हुआ था। जीवाणु होते हैं। मोहम्मद अपने ही लोगों को खिलाता था, तो इसका मतलब ये उनको बश में करना चाहता था। अब ये बात भी सही है जो आंदोलन जी ने कही है कि इनको कुछ एक एक मजा भी आता है दूसरे को गंदगी खिलाने का, और बीके जी ने कहा है कि रोगाणु देने का, तो ये भी एक सच्ची बात है। जी केपी ब्रो जी, आपसे मैं फिर से पूछती हूँ कि आप बोलिए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम हैं? हाँ, हिंदू हूँ मैम। जय हिंदू राष्ट्र। जय जय, मैम, मैं पूरा कहना चाहता बोलिए हूँ, पहले, जय हिंदू राष्ट्र। बोलना ही पड़ेगा। जी बोलिए। जय हिंदू राष्ट्र। जी जी मैम, बोलिए। मेरा ये कहना है, किसी ग्रंथ या कुरान कोई भी हो, उसका बिना आधार लिए हुए जिंदगी जी सकते हैं या नहीं इंसान बन के? हेलो। हाँ बिल्कुल सही। वो ये लोग सोचते हैं कि
कोई व्यक्ति को अच्छी और बुरी बातों का पता ही नहीं चलेगा अगर वो कुरान नहीं पढ़ेगा। मैं कहती हूँ कुरान पढ़ के उसको बुराई का जरूर पता चल जाएगा, बुरी बातें वो अवश्य करने लगेगा। अगर उसे कोई किताब न दी जाए तो वो फिर भी सही जी सकता है, क्योंकि सबके लेकिन अंदर जो तो होता ही है कि क्या गलत है क्या सही है। दिनेश कुमार जी आपका ना वो खुल रहा है, कैमरा खुला हुआ है, आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगी। जी बोलिए लेकिन मैम आपकी। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको किसी भी ग्रंथ या किसी नॉलेज का इल्म ही नहीं है कि मैं जिस धर्म को चाहता हूँ या समझता हूँ, जो लोग कहते हैं कि धर्म अच्छा है, ऐसे लोग बहुत कम, 10% हो गए शायद, 90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो लोग तो खराब नहीं होते ना, कोई भी धर्म हो। किसी ने कहा, किसी ने बयान दिया, किसी ने प्रवचन दिया, चलो उसका ये हाथ पकड़ लिया और चल दिए, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। मुझे आपका पॉइंट समझ में नहीं आया। नहीं, मैं कहता हूं कि हर धर्म में अगर अंधश्रद्धा हो तो उसके हिसाब से अगर वो भक्ति करता हो, अंधश्रद्धा में भी करता हो, तो वो ठीक है मेरे ख्याल से, खाली उसमें कर्म का जो भाग है वो ठीक ठाक हो। दूसरों को गंदगी खिलाना अच्छी बात है कि बुरी? नहीं, लेकिन अगर हर इंसान को पूरी नॉलेज भी नहीं होती ना मैम, हर इंसान पूरा ग्रंथ तो नहीं पढ़ता कि पूरी तरह से ग्रंथ पढ़ लिया, ऐसा समझे क्या वह जो अच्छा है बुरा है, अपनी समझ जो नहीं समझ नहीं से है आप ग्रंथ वह। पढ़ने का क्यों लगा रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ये हाँ लोग कोई ग्रंथ थोड़ी ना पढ़े हुए हैं, ये लोग तो हाँ मोहम्मद नहीं को ना, मिलाते यही तो बात हैं। कर रहा हूँ। मोहम्मद मिलाता था तो ये लोग भी मिलाते हैं। नहीं, अगर सुन्नत है, इंसान, ये सुन्नत है जो सुन सुन के आई है चेन ऑफ हाँ वही तो है, हाँ नरेटर्स से। यानी किसी ने पूरी तरह से पढ़ाई नहीं की हुई है तो इंसान हाँ, को, इनका वो पढ़ाई इंसान को के सही पूरी समझे या बिना गलत। बिना है, ये दूसरों को वश हाँ में करने के लिए ये गंदी गंदी चीजें मिलाते हैं और ये बिल्कुल गलत है। गलत ये है, एक लेकिन पाप, ऐसे ऐसे बहुत सारे दोस्त ये है ना कि पाप है। कहते हैं कि हाँ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो सही है क्या गलत है फिर। जी धन्यवाद केपी जी। रुपेश जी आपका स्वागत है, इंदिरा जी आपका स्वागत है, दिनेश जी और नागराज जी। जय हिंदू राष्ट्र सबको। बोलिए रुपेश जी 2 मिनट तक, फिर इंदिरा जी बोल लेंगे, फिर नागराज जी बोल लेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अब माइक जो है ओपन रखिएगा। देखिए, इनके ही किताबों में लिखा है, जो जिन है, जिन का खाना क्या है, जिन क्या क्या खाता है, आप थोड़ा बताएंगे, उसके बाद में मैं बताता हूँ। नहीं आप ही बोलिए, मैं बाद में बोलूंगी। हाँ, तो जो है इनका खाना है पेशाब है, ये मांस है, गला सड़ा हुआ मांस है, हड्डी है, ये जो खाते हैं, मतलब जो जिन है ये खाते हैं हड्डी, सरे गले हड्डी, ये पेशाब पायखाने, इस तरह के लिखा हुआ है, हाँ शायद ये मेरे आपने दिमाग बताया था में RRR का जी। क्वेश्चन है मेरा, ये वो खाता है, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह के इंसान है कि दूसरे किसी को इस तरह के, मतलब कचरा जिसको बोला जा सकता है, कचरा दूसरे किसी को खिलाते हैं, तो जिन को तो ही गलत, इस तरह का जो खाता है तो उसको तो गलत बोलते हैं, जो इस तरह के हरकत जो दूसरों को खिलाते हैं, इनको आप क्या नाम देंगे, आप थोड़ा बताएंगे इनको क्या नाम दिया जाए। यहाँ पे कितने भी पैनल पे जो भी बैठे हुए हैं, नीचे जो भी कमेंट कर रहे हैं, इनके लिए क्या नाम रखा जाए। वो जिन है खाता है, और यहाँ पे इंसान तो बोला नहीं जा सकता, अगर जो इंसान इस तरह का खिलाता है, जो पेशाब टट्टी और इस तरह के कचरा काम करता है, इसको क्या नाम दिया जाए, ये हो गया। तो ये तो जिन से भी बड़े इनके ये निकल गए, मतलब ये तो पूरा का पूरा कचरा काम है। और जो इसका ज्ञान रखते हैं, जो कि अरबी देशों में भी इसका ज्ञान रखते हैं, इनको भी यह मालूम है, इसीलिए ये लोग ज्यादातर सफाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, किसी को विश्वास नहीं करते, जा पहले साफ कर, पहले हाथ साफ कर,
घर साफ कर, किचन साफ कर, इस तरह की सफाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे भारत में देखा जाए हर साल 10 से 15 ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो थूकते हुए, जो कि कचरा पानी से मिलावट करते हैं, जी, ब्लड का भी मिलावट करते धन्यवाद हैं। जी रुपेश जी जी। नेक्स्ट राउंड में थैंक लेती यू। हूँ। इंदिरा जी बोलिए। जय हिंदू राष्ट्र। इंदिरा जी म्यूट पे हैं आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिनेश कुमार जी बोलिए। हेलो मैम, राम राम। हेलो, जी, आवाज आ जय रही हिंदू है? राष्ट्र बोलिए। जय हिंद राष्ट्र, जय हिंद राष्ट्र। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं आसपास के लोगों से जानता हूँ, पूछता हूँ कि गिफ्ट में क्या दें। जैसे हम जो भी बर्थडे हो या कुछ भी हो, हम गिफ्ट में देते हैं। मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि भगवत गीता दो, लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूँ तो हंसते हैं कि क्या क्या कैसी बातें कर रहा है। तो उसको समझाने में कुछ वक्त लगता है कि हम क्यों देना चाहिए ऐसे। ठीक है, नहीं तो तो मुसलमान को आप ये बात कहेंगे तो उसे तो भैंस के नहीं आगे नहीं बीन बजाना ही नहीं होगी नहीं ना। उनको नहीं, मैं अपनी बारे बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम जब तक हमको हमारे समाज को नॉलेज नहीं होगी कि हम क्या कर रहे हैं, किसका अनुसरण कर रहे हैं, तो तब तक ये बातें ऐसे अधूरी रह जाएगी। क्योंकि आपका ये लाइव भी ज्यादा लोग देख नहीं रहे अभी, देख 100 से ज्यादा नहीं देख रहे। तो वो जो कचरा देख रहे हैं, जैसे शॉर्ट देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो उनसे कोई ज्ञान मिलने वाला है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं वैसे बनाई जाए, जैसे पहले गुरुकुल थे। तो क्या हम 2 घंटे के लिए इस प्रकार कोई ऐसे सामाजिक संस्था बना ले, संस्था कहें या कुछ और भी कहें, जो इस प्रकार के जो आप दे रहे हैं नॉलेज बढ़ाने वाले, रियल लाइफ में क्या गुरुकुल चल रहा है। ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन गुरुकुल मैम, मैं ऑलरेडी बने राजस्थान हुए से, हैं। हेलो, मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ कोई गुरुकुल नहीं है। मैं जहाँ तक आसपास देखता हूँ, चूरू जिले से हूँ मैं, या कोई गुरुकुल नाम नहीं है कोई आसपास। तो हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं है, ऐसी चीजें होनी चाहिए। आइडिया हाँ, अच्छा है। और राजस्थान में मैं आपको ऐसे विश्वास दिलाता हूँ, मैं काफी परीक्षा देने कई बहुत जगह जाता हूँ, तो उनसे ऐसे बातचीत करता हूँ कि आपके तरफ क्या है, कुछ है क्या। राजस्थान में ये बहुत नील है, आप पता नहीं। मैं अभी आपको पोस्ट से जानता हूँ, जो आपकी पोस्ट है ना, तो मैं लाइक करता हूँ, तो उनसे जानता हूँ आपको। तो मैं मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, लेकिन हाँ, राजस्थान में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बहुत रेयर केस में होगा, कोई मंदिर ट्रस्ट के तो द्वारा होगा लोग तो होगा। होंगे ना, तभी तो गुरुकुल में भेजेंगे। जब मैंने किसी से पूछा था कि गुरुकुल जो है, जो गुरुकुल में पढ़ी थी, मैंने उनसे बोला कि गुरुकुल और क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जब बच्चे आएंगे उतने तभी तो गुरुकुल एक नया खोला जाएगा। खाली एक एम्प्टी गुरुकुल तो नहीं खोला जाएगा ना। जी, हाँ नागराज मैम, जी स्वागत है आपका। जय हिंदू राष्ट्र बोलिए। आते हैं वापस दिनेश जी आपके पास। जी, नागराज जी बोलिए। आप म्यूट हैं ओम नागराज गण जी। गणपतये नमः। जय हिंदू राष्ट्र। प्रीति जी, जी, जय आपको हिंदू राष्ट्र। नमस्कार। पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात सुनने से कितने जने हिंदुआ जागे हैं, कितने जने जाग रहे हैं रोज, मुझे भाई ये पता बताइए, नहीं चल कितने पा। लोगों को नहीं पता था कि ये लोग खाने में मिलावट करते हैं। हाँ, इसीलिए मैं ये बोलना चाहिए, ये जो कुछ भी ये स्ट्रीम देख रहा है उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, पहले ही से, पहली बात। दूसरी बात ना मैम, ये लोग इतने कमीने हैं कि कुछ कुछ भी नहीं छोड़ते, कुछ कुछ भी नहीं छोड़ते। पार्सल, मैंने एक न्यूज़पेपर में एक देखा था कि एक पार्सल वाला कुछ पार्सल करने के लिए रेस्टोरेंट पे जाता है, उसके ऊपर पूरे पसीना, पूरे वो जो कुछ भी पार्सल करता है उसमें गिरता है। फिर उसे वो बोलता है कि ये पसीना पूरे इस खाने में गिरने से बहुत टेस्टी होता है। उसने तुरंत फिर कस्टमर ने जाकर पूरा कंप्लेंट केस किया है। अच्छा दिनेश जी, आपको मालूम है, मुझे नहीं पता कितने लोग, आपने अच्छी बात कही। नागराज जी, ये देखो कितने लोगों को पता है इस बात का। ये मैंने पहले भी कई बार दिखाया है, मैंने इसको हिंदी में कर दिया है। खैबर पास नाम का जो कबाब की दुकान है, ये यूके में है, और इसने ये है ये रेस्टोरेंट, ये इसमें इसने मोहम्मद अब्दुल बासित और अमजद भट्टी, इन्होंने टट्टी मिला दी कबाब में, और
140 से ज्यादा लोगों को ये डिजीज हो गई, और उनको क्या हो गया, उनको ई कोलाई का वो फैल गया प्रकोप ये सारे इसमें, और 140 लोग इससे हो गए हैं। ये देखो मानव मल, ये मैंने इंग्लिश से ट्रांसलेट किया है, ये ह्यूमन फीसीज का जो है वो, ये देखो ह्यूमन फीसीज डाली है, टट्टी डाल के कबाब बनाए हैं इसने। तो ये लोग करते हैं मिलावट। हाँ मैम, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी जो कुछ भी हिंदुआ जागे नहीं उठे हैं, ये जागो और मत खाओ इनके रेस्टोरेंट पे, होटलों पे मत जाओ। हेलो मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जागने वाला हम कह रहे हैं, तो ये इसी से संभव है कि जब हम गांव में ऐसी कोई मंदिर द्वारा ऐसे संस्था स्थापित कर ले, हम जो ये बताएं कि क्या चल रहा है, कौन लोग कैसे हैं, जब हम बच्चों के लेवल पर ये शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे तो वो बड़े होकर उनको कोई माइंड वॉश नहीं कर आप पाएगा। स्टार्ट करिए और ना दिनेश जी, आप हाँ राजस्थान हाँ में रहते हैं तो आप ये काम करिए ना, मेरे जो वीडियोस हैं वो तो अवेलेबल हैं ही, तो आप वहां पर एक क्लास लगाइए लोगों की, जैसे आंगनवाड़ी होता है या इस तरह का एडल्ट एजुकेशन, तो वहां पर आप एक सत्संग स्टार्ट करिए हर संडे को या ऐसे, और वहां पर मेरा वीडियो सबको दिखाइए गांव वासियों को, ताकि उनको पता चले कि ये लोग खाने में कैसे मिलावट करते हैं, इनका मोहम्मद क्या करता था, इनकी किताबें क्या कहती हैं इत्यादि। हाँ मैम, ये मैं अभी करने वाला, मैं अभी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसको मैं फुल टाइम भी करने वाला हूँ। जैसे मैं कुछ बिजनेस साथ में चल रहे हैं छोटे मोटे, अगर लेकिन आप इसको गवर्नमेंट जॉब मैं का कर रहे हैं तो नहीं आप और तैयारी कर रहा हूँ तैयारी। यूट्यूब पर ना आए, यूट्यूब पर ना आए बस, मतलब अपना चैनल ना खोलें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो थोड़ा बच के चलें, और अपना नाम डिस्क्लोज ना करें, और अपने एरिया में सब लोगों को जागृत करें, और सब लोग जो भी आप सुन रहे हैं, सब लोगों का कर्तव्य है सारे हिंदुओं का कि एटलीस्ट 3 हिंदुओं को डेली जागृत करिए। वैसे मैं अभी नौकरी लगा नहीं हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ज्यादा पर्सनल डिटेल्स मत बताइए यहाँ पे। हाँ तो मैं हाँ स्टूडेंट हूँ तो देखिए, अभी। आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सरकार नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मगर आप बहुत सेफ रहना चाहिए। अभी ये जो कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, सिर्फ आप बात से बोलो, मगर कुछ स्टार्ट मत करो। यहाँ मैं पर मत बोलो, जो आपको करना है कर लो। ओके ओके ठीक है, बस ऐसे ही बात कही आपने। तो मैम वो हम बाद में, अभी कुछ महीने तो नहीं कर पाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मंदिर वगैरह कुछ हमारे जानकार हैं तो शुरू करेंगे। तो ये आप जो बता रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ ये जड़ के लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट हो, जैसे बच्चों के लेवल पर, तो उनको अच्छा रहेगा। और हाँ ये तो मैं समझाने में कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो उन परिवार वाले मान जाएंगे। उसमें हम कुछ ऐसे डिफेंस के कर सकते हैं, सेल्फ सबसे पहले आप डिफेंस सिखा अपने सकते। रिश्तेदारों को जागृत करिए, हाँ उनको हाँ उनको इस्लाम के मैंने, बारे में मेरी मेरी वीडियोस, आप ऐसा करिए दिनेश जी, जो भी आपके रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, सबको, सबके मोबाइल चुपचाप लेकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब का, तो अपने आप उनके पास आने लगेगा नोटिफिकेशन, तो वो अपने आप ही देखने लगेंगे। हाँ ये तो बात सही है मैम। एक आपसे निवेदन है कि आप एक कुछ स्टोरेज रख सकते हो क्या, जैसे अभी हमारे राजस्थान में पिछली बार एक दर्जी को गला काट के रेत दिया गया था, ठीक है, पता होगा कन्हैया लाल आपको। को पता है? हाँ 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 तो उस प्रकार का कंटेंट जो भी इन्होंने किया है और लाइव रिकॉर्ड हुआ है, वो आप, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपके आप वैसे उसके फैन लिए फॉलो। सुदर्शन न्यूज चैनल का को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सुदर्शन नहीं न्यूज चैनल हाँ पे मैं कर, जो है वो सारा आपको इस तरह का सामान मिल जाएगा जो न्यूज से संबंधित है। मेरा नहीं चैनल मैं न्यूज ऐसा चैनल नहीं है, मेरा चैनल धार्मिक चैनल है। नहीं, ऐसा नहीं करा मैं कह रहा हूँ, आपसे काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कोई ओरिजिनल जैसे वो फुटेज आ गई तो बिना कोई डायरेक्ट वो स्टोर रखिए आप, क्योंकि वो भविष्य में बहुत उपयोगी मैं होगी। नहीं कर हम सकती ना मैं दिखा सकती हूँ,
नहीं दिखाना लेकिन नहीं है सुदर्शन आपको। न्यूज चैनल वाले दिखा सकते हैं और उनके पास है। आप वहां पर सुदर्शन न्यूज चैनल पे जाकर आप कन्हैया लाल का वीडियो उसमें सर्च कर लीजिए। सुदर्शन न्यूज हिंदुओं का चैनल है और वो जो सुरेश चौहान के जो हैं वो बहुत अच्छे हिंदू हैं। उनके चैन वो ऐसे हैं जो हिंदुओं के प्रति काम करते हैं, विक्टिम्स को जाके हेल्प करते हैं। तो आप उनके चैनल में से आपको कन्हैया लाल का वीडियो और सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। आप उनके चैनल पे और जाके सर्च मार ओरिजिनल लीजिए। मिल जाएगी क्या मैम? ओरिजिनल मिल हाँ जाएगी फुटेज? हाँ 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 वो फुटेज चाहिए हर, जैसे ये तो मैं हाँ आपको उदाहरण दिया, इसी प्रकार बहुत सारे हाँ हजारों मैंने होते हैं। वो तो फुटेज ना शुरू में लगा दी थी तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। हाँ आपका तब से तो मुझे बंद भी पता हो चला सकता है। कि ये नहीं करना करना है मुझको। मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है, मैं थोड़ी नहीं बहुत नहीं न्यूज़ डेली पढ़ देती हूँ, वो बात अलग है, जो हेडलाइंस है, क्योंकि हिंदुओं को वो तक नहीं पता। आपको मालूम है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर होने से पहले एक हिंदू का एनकाउंटर हुआ था, पर किसी को उसके बारे में नहीं पता। जी 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 सही है। जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फिर से सेकंड राउंड पे आंदोलन जी, आपको कुछ कहना है तो बोलिए। जी, मैडम मैं ये जैसे मैंने बोला ना कि ये लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, क्यों? क्योंकि मैं बचपन में मैं 10-12 साल का था, तो एक ठाकुर लड़का था, मुझसे 10-12 साल बड़े था, तो वो बाकी जो छोटे लड़के थे या उसके बराबर वाले लड़के थे तो उन लोगों के ऊपर वो दबंगई से रहता था। तो एक बार उसने मेरे साथ भी कुछ बदतमीजी की, तो मैं छोटा था, मैं सोचा छोड़ो यार, चलो क्या कर सकते हैं, कमजोर हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बड़ा है। तो जैसे वो और मैं, हम लोग छोटे, तो एक कॉमन वॉशरूम यूज होता था। तो मैडम मैं भोर में उठा, तो मैं जब गया तो उसी वॉशरूम में वो बैठा था सुबह, और जो देसी टाइप वाला जो नहीं होता लेटरिन होता, उसी तरह वो बैठा था। तो दरवाजा बंद नहीं किया था, भोर का समय था, तो मैं ऐसे दरवाजा, मैं मुझे तो बाथरूम जाना था, तो मैंने देखा कि अरे यार ये तो दरवाजा बंद ही नहीं किया है, अभी भी नींद में है, बैठा हुआ है। तो फिर मैं धीरे से दरवाजा चिपका के मैं बाहर हो गया। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, यार ये तो मेरे साथ बदतमीजी किया था, तो मैं तो यहाँ पे कुछ गेम कर सकता हूँ कृष्ण भगवान की तरह। अच्छा चलो, मैं गया, मैं उसके मुंह पे ही वासूम कर दिया। फिर वो अरे 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 भैया मुझसे गलती हो गया, अरे भैया। फिर उसका मैं बाहर निकल गया। फिर वो जो बाहर से अंदर से जब बाहर आया तो बोला, कह रहे यार देख के नहीं तुम्हें? तो मुझे, अरे भैया आपको भी तो बंद करके करना चाहिए था, मैं नींद में था ऐसे वैसे। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात किसी से बताना मत। तो आज के डेट में भी मैडम ये बात बीते बहुत दिन हुआ, लेकिन वो जब भी मेरे सामने पड़ता है, बाकी लोगों से तो बहुत दबंगई से रहता है, लेकिन जब भी मेरे सामने पड़ता है तो वो दिन उसको याद आ जाता है कि इसने मेरे मुंह पे किया था। तो मैं इसलिए बोला कि ये लोग इसीलिए करते हैं कि सामने वाले का मनोबल तोड़ना, उसको नीचा दिखा देना, ये चीज है मैडम। और एक चीज मैम और मैं कहना चाहता हूँ, जो ये जो हमारे दो एक पति पत्नी है सब, जो पूरे सनातन का ठेका लिए हुए हैं, वो एक कहावत मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, बीकेएस भाई शायद बता दे, मैं उतना बता नहीं पाऊंगा। एक गांव में कहावत होती है कि जो विधवा होती है वो कभी नहीं चाहती कि यहाँ कोई सुहागिन रहे, वो चाहती कि सभी विधवा हो जाएं। वो दोनों हैं पाकिस्तानी, ये वो बात कभी नहीं मैंने भी चाहेंगे, सुनी है, ये बात मैंने भी सुनी हुई है। जी हाँ, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान या भारतवर्ष हमारा तरक्की करे। अरे तुम्हें चिंता है, जाओ अपने जहाँ के तुम लोग मूल हो वहां की चिंता करो, तुम लोग हमारा हमारा ठेका क्यों लेने के चक्कर में पड़े हो। और मैं एक उसके बारे में जो मुगल मुगल करता रहता है अपने आप को, सोच एक बार मैं स्ट्रीम में अपने बोल रहा था कि वर्ल्ड में HIV की जो दवा बन रही है उसमें मेरा ब्लड काम आ, मेरा ही ब्लड बस लिया जाता है पूरे वर्ल्ड में, इतना बड़ा वो तीरंदाज है। और मैं उसके बारे में एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत गुड लुकिंग, दूसरों को के अंदर तरह तरह की कमियां गिनाता रहता है। मैं आपको मैम बता रहा हूँ, मैं उसका देखती हूँ आप कभी वो कैप लगा के आएगा, कभी विदाउट कैप आता है, बोलता है मैं कैप का बड़ा शौकीन हूँ, कैप का कोई शौकीन दूसरे नहीं, भी वो ना गंजा है लगाए, वो उसका मेरे गंज पास वो है, मेरे पास वो है जो वो उसने एटीएम लूटा है, मेरे पास उसकी न्यूज है, FBI उसको ढूंढ मैम रही है। हाँ मैम क्रिमिनल वाली बात नहीं, मैं जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैम। जो कैप वो लगाता है वो कैप इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि कैप का बहुत बड़ा शौकीन है, वो एक्चुअली है गंजा मैम, वो वीग लगाता है।
अगर उसके अंदर वो स्ट्रीम कभी देखेगा तो कभी अपना जिस दिन वो बाल में आता है वो अपने बाल को ऊपर से खींच के दिखाया मैम, जिस दिन उसको टाइम नहीं मिलता है हेयर से वीग सेट करने का उस दिन कैप लगा के बैठ जाता है, और जिस दिन फुर्सत में रहता है। आंदोलन जी, हमें किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना है, हमें किसी का देखना नहीं है कि वो पर्सनली कैसा लगता है, हमें उससे मतलब नहीं है। अच्छा, मेरी नहीं चॉइस मैम तो पहले वो तो मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखो, आपने ये देखा होगा कि एक औरत बोलूंगी मैं उसको, उसने नाम उसका हसीना, और उसने आशा नाम रख के, आशा कौशल नाम रख के हिंदू काम रखा, और अपनी पेशाब मिला रही है जिसके घर में ये नौकरी करने लगी, खाना बनाने का काम करने लगी, तो पेशाब मिलाने वाला ये वीडियो उसका पकड़ा गया। तो ये वीडियो में एक औरत खाने में पेशाब मिला रही है, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ, और इस औरत का नाम हसीना है। इसने अपना और इसने थूक का एक गिलास के अंदर जो अपने कपड़ों में छुपाया, और फिर उसके अंदर पेशाब भी कर रही है, और उसमें उसी पेशाब से ये पूरे घर का खाना बना रही है। तो इन लोगों ने एक सीसीटीवी लगाया हुआ था क्योंकि इसने एक बार चोरी करी थी घर में, तो इसको क्षमा कर दिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, तो वहां ये पेशाब मिलाते हुए पकड़ी गई। और ये है इनके अंदर की हेट्रेड की। ये वीडियो मैं नहीं चला सकती हूँ, पर मैं इसका लिंक दे दूंगी आप लोगों को, यहाँ से आप इसको जो है ले सकते हैं वीडियो को, ये रियल अखबार में आया था, तो मैंने ये दे दिया है नीचे लिंक इसका, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। जी, मेरा हो चुका। बीकेएस जी, आपका स्वागत है, बोलिए, दूसरा राउंड चल रहा है, बोलिए। तो बीकेएस जी आप म्यूट हैं, लेकिन वो बिजी होंगे, तो नागराज जी बोलिए। मैम मुझे कुछ कहना नहीं है, आप कंटिन्यू करिए, मैं बात करता हूँ। मयंक आए हैं ना, मयंक उनसे जी, बात आपका जय हिंदू राष्ट्र, बोलिए आपको आज के टॉपिक के बारे में, जय पेशाब पेशाब हिंदू राष्ट्र मैडम, जय हिंदू राष्ट्र। जी, पेशाब टट्टी मिलाने के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मैंने कहना आपको है मैडम, करी है, मैंने उस स्ट्रीम में बताया है कि ये लोग दूसरों को वश में करने के लिए प्रेम औषधि के रूप में इसको यूज करते हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है मैडम, मेरा ख्याल है ये कि ये लोग बंजारे टाइप के लोग थे जो वहाँ अरब के रेगिस्तान में रहते थे। ये लोग कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, जाहिल लोग हैं। इनके लिए तो ये तो जानवर के समान है, इनके लिए तो कोई नियम धर्म कुछ है ही नहीं, बस धोखा। ये थूक या पेशाब या इसलिए मिलाते हैं ताकि आपके धर्म को भ्रष्ट करके आपको अपने धर्म में शामिल कर सके, इसलिए मिलाते हैं जी, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। ताकि आप आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए और आप इन इन्हीं पिशाचों में शामिल हो जाए। जी, ये लोग तो मुर्दे को जो धोते हैं, मुर्दे के धोने के बाद जो पानी बचा के एक शीशी में रख लेते हैं और वो भी खाने में डाल देते हैं। और पता है ये लोग क्या करते हैं, वो जो पानी का वो लगाते हैं ना, पानी बेचने वाले जगह जगह, जो आप गिलास में पानी पीते हैं, याद है वहां जी पर गर्मियों में जो लगाते ना, 1 रुपए का देता है वो, नीरू निचोड़ के देता था पहले, अभी हाँ वो देता है ना, ये लोग जो जो बर्फ है ना वो कहाँ से लाते हैं, सस्ती वाली जिसपे मुर्दा लेटा होता है वो बर्फ। इन लोग का कोई नियम धर्म नहीं है, इन लोग के पास दिमाग भी नहीं है। ये सब खाना बदोश जानवर लोग हैं, ये मंगोल जो थे उनके अरे अभी आराम मैंने का। वीडियो देखा, ये वो कहता है हाँ जो है साले बिल्ले का पेशाब मुबारक, टट्टी मुबारक, तो ये तो अभी आजकल के जमाने में भी ये बात बोल रहे हैं, हाँ ये आजकल के ये और ये हमारे मंगोल खाने में भी मिलाते हैं हमें वश में करने के लिए, हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए, ताकि जाहिर हमारा बात है। धर्म
हमारा धर्म भी भ्रष्ट करें, हमें हमारे को वश में करें, हमारे को नीचा दिखाएं, हमारे में बहुत तरीके से ये हमारा रोग फैलाएं, बहुत तरह की बातें हैं। भगवान सब देख रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो दूसरे का धर्म भ्रष्ट करने का कोशिश करेगा वो खुद अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। अरे इनका कौन सा धर्म है, इनका तो मजहब है जी। अच्छा बोलिए, इनका मजहब ही तो आजकल टूट रहा है, तो 40% पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम हो गए तभी तो रो रहे थे सब। अच्छा, वो तो इसलिए भी हो गए होंगे क्योंकि वो भारत में घुसना चाहते हैं अलतकिया करके। ये लोग अति कर दिए और अति की भी जरूर होती है। हाँ बस 30 सेकंड। जन्नत जी आप ऊपर क्यों नहीं आते, तो आप ऊपर आके बात करो ना यहाँ पैनल पे। जी मैं बोला, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो हमारे कल्चर में हमारे संस्कृति में है, जैसे कि हम लोग खाना आज जो खा रहे हैं थाली के अंदर, तो हमारे जो भी त्योहार होते हैं तो वहाँ पे देखिए हम लोग खाते हैं केले के पत्ते के ऊपर, जो कि आज भी केरला में देखा जाता है, केले का पत्ता खाने में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ये हमारे संस्कृति का ही ये है। और देखिए हाथ नहीं मिलाते हैं, हाथ साफ करने के लिए हमेशा बताया जाता है, तो जूठे खाना भी मना किया गया है। ये जो बीमारी जो फैलती है, ये कोरोना भी जो आया था, इसमें बहुत सारे हमारे सनातन के ही बहुत सारे रिटर्न आए हैं आदमी, जैसे कि बहुत देश विदेश में भी प्रणाम करना शुरू कर दिए थे और हैंड शेक बंद कर दिए थे। तो देखिए हमारे पहले से ही पता था, अब हो गया ये थूक मिलाना। तो हम लोग इतनी शुद्धि से चलते हैं, जैसे कि हमारे पूजा कोई त्योहार आ गया, प्रसाद तैयार होता है, तो बहुत सारे ऐसे पूजा पद्धति है कि प्रसाद तैयार होने के टाइम में जब तैयार होता है, जैसे कि मान के चलिए ये गेहूं हो गया, तो उसको साफ करके सुखाया जाता है, अगर वहां पे एक कौवा भी आकर अगर ठोकर मार दिया तो उसको हम लोग जूठा मानते हैं, तो वो अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध करने के लिए हम लोग देखिए, बिल्ली भी अगर आता है ना, अगर उसने दूध नहीं पिया, अगर वो सूंघ भी लिया तो भी हम लोग उसको दूध को जूठा ही मानते हैं, कुत्ता हो गया बिल्ली होगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत शुद्धि से आगे बढ़ते हैं, सनातन संस्कृति का हिस्सा है, ये लोग अशुद्ध हैं और खुद ही इतने अशुद्ध हैं, दूसरों किसी को जो शुद्ध है उसको अशुद्ध करते हैं ताकि इसका धर्म भ्रष्ट हो जाए और ये अपने साफ सफाई से क्लीन से ना रह पाए। तो जो जैसा रहेगा वैसा ही फैलाएगा, जो साफ सफाई से रहता है वो साफ क्लीन फैलाएगा, अच्छा आदेश देगा, ठीक है, जो बुरे हैं तो वो तो बुरे कांड तो करेंगे उनके। जी देखो मेरी नानी थी ना, मैं एक बार चली गई, जो रसोई घर था वो घर से अलग होता था दालान के अंदर, तो मैं एक बार चप्पल पहन के चली गई, तो मेरी नानी ने बहुत मेरे को डांटा कि हाँ नहीं चप्पल मैंने उतार दी थी, तो मैंने सोचा नानी खुश होगी, पर मैंने जो है वो मटके के ऊपर वो ढका रहता है ना वो एक एक प्लेट, तो वो मैंने तश्तरी जरा सी छू ली, तो मेरी नानी ने मुझे डांटा कि मैं नहाई थी कि नहीं नहाई थी छूने से पहले। तो मेरी नानी बहुत परहेज करती थी कि कोई कहीं पर छू ना ले जब तक खाना बने वहां पर, और बहुत सात्विक मेरे वो लोग, तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते और बहुत नहा धो के, और कोई पंप ना छू ले, हैंड पंप भी बिना नहाए नहीं छू सकते, और ये है वो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, अभी मुझे याद आता है। तो मैं उसकी इतनी परवाह नहीं करती थी क्योंकि मैं नहाती रोज थी, लेकिन बिना नहाए भी मैं चीजें छू लेती थी, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था मेरे घर पर मेरी नानी में बहुत था। तो आप सही बोल रहे हैं, हमारे यहाँ शुद्धि का वो आप अभी देखिए जी, ये जो कोरोना जब शुरू हुआ था, जब कोरोना देखिएगा बहुत सारे ये न्यूज चैनल में भी आया था, कृपया म्यूट कर लीजिए, न्यूज चैनल में भी आया था कि ये लोग गाड़ी में बैठने के बाद मस्जिद से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और पूरे रास्ते में थूकते थूकते, तो ये क्या है भाई, खुद तो कचरे हो मतलब बीमार है वो, और थूकते थूकते जा रहा है, बिस्तर से उठो तो 3 बार अपने लेफ्ट को थूको, तो आप देखिए ना, तो कचरा आदमी है तो कचरा ही फैलाएगा। जी अरे थूकेंगे
अरे थूकेंगे क्यों नहीं, इनका इनका जो काबा है वो तो खुद पॉटी हाउस है, वहां तो खुद टट्टी पेशाब हाँ, वो उसी ले गया काबे पे था करते थे, तो वही टॉयलेट की टट्टी तरह पेशाब खाने की इनको आदत है। जी। हाँ मईचंद प्रसाद जी उनको जय हिंदू राष्ट्र, मईचंद प्रसाद जी जय हिंदू राष्ट्र, बोलिए आपको क्या बोलना है। टट्टी पेशाब ये जो मिलाते हैं खाने में नर पिशाच कम्युनिटी के लोग, इनको क्या जय बोलना है। मैंने जो आज स्ट्रीम करी है मैंने बताया कि ये लोग दूसरों को वश में करने के लिए ये सब करते हैं, आपका क्या ख्याल है। जय हिंदू राष्ट्र मैम, जय हिंदू जय राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र मैम। जी हाँ जय मैम, हिंदू आप राष्ट्र लोग बोले। के मैं 2 मिनट बाद आ रहा हूं, एयरफोन मेरा अभी नीचे है, एयरफोन लगा के तो आप। ओके ओके, मैंने आपको पीछे कर दिया क्योंकि अभी आपके इनके सुनिए मैडम मैडम, जी, एक मिनट एक मिनट, तो दिनेश कुमार जी ने नेपाल से जी। इनके जो जमजम का आब है, जमजम का पानी है, उसमें भी कीड़े पड़े रहते हैं, इसको लाके वो पीते हैं। और काबा जो है उसको एक राजा उठा के ले गया था, उसको पॉटी में उसी में करता था, उसी में पेशाब करता था, इसीलिए इनको गंदगी में रहने की आदत है। और वो इनका अब जो भाई सर जानने मोहम्मद, लगे देखो, हैं, वो अगर सब जानने आपको किसी के लगे नर पिशाच का घर पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे, वहां पर हैं। खूब इनका गंदगी जो होगी और इनका एक बकरी बंधी हुई होगी और खूब गंदगी होगी, तो आप समझ जाओ नहीं कि ये नहीं नर पिशाच का घर है। नहीं मैडम, एक बात, इनका जो मोहम्मद था, वो जो लड़कियां लोग होती हैं, औरतें लोग, वो अपने मेंसेस का कपड़ा फेंकती हैं वहां ले आके तालाब में, उसी का पानी पी जाता था कि थोड़ा सारी। दूसरे हाँ को भी बोलने दियो, थोड़ा हमको भी बोलने दियो भाई, बहुत बोलिए बोलिए। थोड़ा दिए। मैं मेंसेस, इसमें नहीं जाऊंगा कि धर्म भ्रष्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो यहाँ नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं आती, पहले आता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम कुछ भी सोच सकते हैं। वो हमें आश्वस्त करना चाहते हैं, बीमारी ग्रस्त करना चाहते हैं, और हमें लोगों को वो लोग एकदम गंदा मानते हैं, तो इसलिए वो लोग खिलाते हैं। तो मुबारक, पेशाब मुबारक, लेटरिंग मुबारक उनका है, उनके हिसाब से मोहम्मद ने जो किया वो लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये उन लोगों की पागलपंती है कि कोई बस में आएगा, बस में कोई नहीं आता है। बस तो ये बहुत दूर की बात है, इंसान के दिमाग है तो किसी को बस में कोई कर ही नहीं सकता। आज के डेट में वो मंत्र नहीं है कि बस में हो जाएगा कोई, अब तो मंत्र भी उतना ताकतवर नहीं है, क्योंकि उतने शुद्ध इंसान ही नहीं बचे। कोई ना कोई प्याज खाता है, ना कुछ तो गलती करता ही है, एक चींटी तो मारता ही है। हम लोग हमेशा पाप करते हैं, लेकिन इनके जैसा नहीं। ये लोग इतना गंदे लोग हैं कि हम लोगों को बीमार रखना चाहते हैं, बीमारी से मरो। इनकी जाहिलियत यानी कि जो पोंगा बजाते हैं ना 5 टाइम नमाज के नाम पे, तो वो एक ध्वनि बीमारी है। ध्वनि के कारण हम लोगों को कान बहरा करना चाहते हैं। और वो लोग कभी भी देखें तो अपने आगे सामने वाले को किसी को बोलने नहीं देंगे। ऐसे लोग मानसिकता बीमारी करते हैं, मानसिक से कमजोर करते हैं, यानी कि हर तरह से कमजोर करने के चक्कर में है। आप लोग तो धर्म में खाली बैठे हैं कि धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। धर्म भ्रष्ट तो बात की बात है, आप लोगों को जब सही सलामत रहने देंगे तब ना धर्म भ्रष्ट होगा। बस यही पॉइंट मुझे बोलना था। पूरी जी पूरी धन्यवाद। दुनिया को मैडम इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये लोग, सबको मुसलमान बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सब टट्टी पिशाब और ये सब मिला वाला के देते हैं। मैम, ये इतना आश्चर्य का विषय ये है कि टट्टी से हेल्थ का डिक्लेरेशन कैसे लिया जाता है। ये तो पागल ही पागल लोग है। ये टट्टी से डिक्लेरेशन हेल्थ का रिपोर्ट किया जाता है, मुझे ये समझ में ही नहीं आता। बिना रिपोर्ट बिना हेल्थ चेकअप ऐसा डिक्लेरेशन कैसा किया जाता है। मुझे आपका पॉइंट समझ में नहीं आया, डिक्लेरेशन का क्या मतलब।
मैम ये लोग आपको पता ही होगा ना मैम, ये लोग टट्टी के टट्टी कैसा आता कि इसके इसके ऊपर से ये लोग नमाज करते हैं, और इसके ऊपर ऊपर से ही ये लोग हेल्थ का, आपके हेल्थ कैसा ये है इन लोगों कि के ये करते रूल्स हैं। हैं नागराज जी, अगर आपने मिस कर दिया हो तो इनके रूल्स हैं कि अगर नमाज के वक्त किसी को फार्ट आ जाए, यानी हवा निकल जाए उसकी, तो उसके साथ साथ अगर टट्टी भी आ जाए, तो टट्टी अगर 4.5 माशा से कम की हो, या उतने की 4.5 माशा या उससे कम हो, तो नमाज कबूल है। उससे ज्यादा मात्रा की हो तो फिर वो उसकी नमाज खारिज हो जाती है। ठीक ये है, लोग पागल लोग पेशाब हैं जो है मैम। ना, उसका सरकम, उसका डायमीटर जो है वो कितना होना चाहिए, एक एक रुपए का सिक्का है, अगर पेशाब उससे ज्यादा मात्रा में आई है उतने डायमीटर के, तो उनकी नमाज खारिज होती है, उतने से कम है तो चलेगी। पागल पागल हो गए पॉइंट है मैम, एक नगेंद्र नंबर पागल हो गए। जी, इसमें एक पॉइंट है, क्या वो लोग इंची टेप लेके पहले था कि नापते थे, कैसे ये जान गए कि इतना होना ही चाहिए? क्या मतलब लेटिन करते अंदाज से शायद ये समय नापते होगा, अंदाज करा है। मतलब एक लड़का बोला कि मेरे को इस्लाम में क्या पसंद है, कि इस्लाम में सब कुछ दिया है, मतलब हर हर समस्या का या हर परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये दिया हुआ है। यानी कि अगर आपको जो है वो पाद आ जाए, तो पाद के साथ टट्टी भी निकल जाए, तो वो भी कितनी क्वांटिटी में निकले ये तक दिया हुआ है। ये तो मूर्ख ये इंसान ही तो इसकी लिखता है। प्रशंसा का विषय है कि मतलब ये कि वाह पागल क्या हो गए मैम, मजहब है, पागल क्या मजहब है इनका। मतलब। नहीं, इनके नबी को खुद मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो पागल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वो हेलो मिर्गी मैम। तो छोड़ दो, ये क्या बात है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता आपकी ये जनरेशन में अभी भी फॉलो कर रहे हैं ये नरपिशाच के लोग, मैं तो समझ में ही नहीं आता। कभी कभी ये लोगों को बहुत दया आती है, कभी कभी मेरे को कितना गुस्सा आता है कि ये लोग इतने मासूम के लोग हैं कि ब्लाइंडली फॉलो करते थे कर लेते हैं। राक्षस लोग, अरे राक्षस राक्षस। ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ लिखा है तो अपना दिमाग क्यों चलाए? तो अब वो पुराना जो लिख दिया तो वो ठीक है, और अब नया दिमाग चलाते नहीं है तो वो उनके भेजे में वही वैसा वादा वही करेंगे। और हिंदू में क्या है कि हर रोज तरक कर सकते हो एक दूसरे से, तो हम डेवलप होते गए, पहले के ज्ञान भी अब भी, तो हम अलग हैं। जैसे रात होती है दिन होता है, तो हम दिन है तो हमारे इसमें जनरेशन जनरेशन से सीखते हैं, क्योंकि हम हाँ मैं फादर से हम मेरे फादर फोर फादर से ये जनरेशन जनरेशन से सीखते हैं हम, जो कुछ भी डेवलप होते हैं वैसे होते हैं, मगर ये एक ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं करते हैं ना हम। अरे उनके तो हर चीज लिखी हुई है, तो उनको याद करना और नई चीज सोचना गलत है उसके लिए, तो क्योंकि वो कोई टाइम ही नहीं है उनके सोचने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ है। इनके जो नबी थे वो टॉयलेट जाने के बाद पत्थर से अपना साफ करते थे पिछवाड़ा। नहीं, आपको गलत पता है महीचंद जी, उनकी जब वो टट्टी जाते थे तो एक आदमी उनके साथ जाता था जो उनकी टट्टी खाने जाता था, और इसीलिए आयशा कहती थी कि कभी धरती पर दिखती नहीं है, क्योंकि वो पहले ही वो लपक लेते थे। मतलब एक आदमी तो डेली जाता था, और ये दूसरों के लिए था कि आप जो है 3 पत्थर रखिए जिससे कि आप टट्टी पहुंचेंगे। ये देखिए कि हमारे जो शरीर के अंग होते हैं वो कितने नाजुक होते हैं, और उसको टट्टी पत्थर से रगड़ना ये कहाँ की अकलमंदी है जी। महीचंद जी जय हिंदू राष्ट्र बोलिए। जी महीचंद जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा है रगड़े मैडम, तभी तो फाइल्स होगा। पायल्स तो अच्छा बहुत कहिए ना। मयंक फाइल्स होगा तब खड़े रहेंगे, बैठ नहीं पाएंगे नमाज पढ़ते समय। वैसा तो भी आके जो कुछ भी है गुजर जाओ, वैसा तो भी आके महीचंद जी बोलिए।
मैडम आज क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काहे कि वो गंदगी जो है उन लोगों ये लोग टट्टी पेशाब मिलाते हैं तो इसका क्या कारण है? ये तो सब मुबारक है ना, वो को मिलाने का कारण है एक बार ये कम्युनिटी के लोग हमारे खानों में मिलाते हैं टट्टी पेशाब, तो मैंने आज अपनी स्ट्रीम में दिखाया कि ये दूसरों को वश में करने के लिए पेशाब मिलाते हैं, क्योंकि ये एक प्रचलन है मुसलमानों में जो विदेश में जो विदेशी में रहते हैं, तुर्की बोस्निया सीरिया यहाँ जो मुसलमान रहते हैं उनके बीच में ये एक एक जादू टोटके वाली चीज है पेशाब मिलाना और दूसरे को वश में करना। तो आपका क्या विचार है इस बारे? न तो जादू टोना है न मैडम वशीकरण है, वो साइकोलॉजिकल वशीकरण है। मतलब एक बार जो टट्टी खा लेगा तो दूसरे से नहीं कहेगा, मतलब ये मैंने भी खा लिया तूने भी खा लिया तो तू कैसे बताएगा दूसरे को, मैं कैसे बताऊंगा दूसरे को, अब तो हम हो गए। मतलब कि राक्षस का जो बुद्धि होता है वो तो उल्टा चलता है, ये पूरे नरपिशाच और राक्षस है लोग, इन गंदगी का दूसरा नाम राक्षस भी ना, 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 हमारा जो सर आपको पता है हमारे शास्त्र के जो राक्षस है वो राक्षस इनसे बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए कि वो लोग कम से कम कानून भी मानता है, युद्ध अगर करता है तो युद्ध का भी नियम का पालन करता है, अगर कोई भी पूजा करता है, देखिए वो राक्षस रहता है उसके बावजूद वो पूजा भी करता है। हमारे यहाँ जैसे कि कोई चोर डाकू है तो डकैती करने जाता है लेकिन पूजा करके जाता है वो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो प्रथा जो है वो गलत है, प्रथा अपनी जगह में सही है, लेकिन जो पाप करने जाता है उसको जो माता का आशीष, मैं अगर आपको नमस्कार करूंगा तो आप भी मुझे नमस्कार करेंगे। अगर देखिए किस मनसाय से कौन पूजा करने जाता है, रावण भी तो पूजा करता था ना, लेकिन परब्रह्म परमेश्वर को ये मालूम था कि रावण अपने शक्ति का दुरुपयोग करेगा, उसके बावजूद उनको शक्ति प्रदान की जाती है, शक्ति प्रदान करने के बाद भी उनका शक्ति का जो क्षण मतलब कि अक्षुण करना है, उस शक्ति को कैसे विनाश करना है उसका भी काट पर पिता परमेश्वर जो पर ब्रह्म है वो उसका काटे भी निकाल कर रखते हैं कि ये अगर तूने जैसे कि भस्मासुर हुआ, भस्मासुर को क्यों वैसे दिया गया आशीर्वाद कि किसी के सर पे हाथ रख दे तो आदमी भस्म हो जाएगा, लेकिन वही ईश्वर उस भस्मासुर का भी काट निकालते हैं कि उनके जीवा पर सरस्वती की बास होती है, उनके मन के अंदर सरस्वती की बास होती है, माया रूप में वहां पे प्रकटीकरण होता है, प्रकटीकरण के बाद में ये तथैया अपन नृत्य होता है, वही नृत्य करते करते भस्मासुर अपने सर पे हाथ रख के स्वयं भस्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ हर चीज का विधि है, तरीका है, लेकिन इस्लाम में कोई भी तरीका नहीं है, कोई विधि नहीं है। इस्लाम गंदगी का दूसरा पर्याय शब्द है, आप ये पर्याय शब्द समझिए गंदगी। अगर आप किसी भी मुसलमान के घर में जाइए तो इतना बदबू मारेगा कि आपको इंटर करने का हिम्मत ही नहीं करेगा। महीचंद जी आप नरपिशाच कम्युनिटी बोले तो ज्यादा सही रहेगा। तो वही नरपिशाच ही बोला था ना मैंने, शुरू में भी मैंने नरपिशाच बोला था कि ये जो है गंदगी का पर्यायवाची शब्द है। एक ही टट्टी वाला वो टूटी होता है ना लोटा, वो टूटी वाला लोटा में पानी पिएगा, उसी टूटी वाला में सू करेगा और सू करके करेगा कि मुबारक पेशाब, तो उसको तो सब गंदगी ही मुबारक है। आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूं मैम, एक बार मैं ऐसे 18 महीना दुबई रहा हुआ हूँ तो वहां पे एक पठान से हमको मतलब भिड़ंत हो गया, ऐसे शब्द का वार शुरू हो गया। शिवलिंग के ऊपर उसने चर्चा किया, शिवलिंग के ऊपर मैंने उसको बहुत सारे जवाब देते देते लास्ट में उसने गलत शब्दों का प्रयोग किया, उसी को मैंने उसका जवाब दिया कि अगर ये नहीं होता तो तेरी माँ तेरे को जन्म नहीं दी होती, तेरी तेरी दादी तेरे बाप को जन्म नहीं दिए होते, तुम्हारा दादा उसके परदादा तुम्हारा मोहम्मद जो है वो भी पैदा नहीं होता अगर ये लिंग नहीं होता।
और जाकर के पूछो तुम्हारा अम्मी से, तुम्हारे खाला से, तुम्हारी बुआ से, तुम्हारी मामी जो होगी, जितने भी है, अगर उसको एक भी बच्चा नहीं हुआ हो तो उससे पूछो कि वो कितने घर को अभी तक घूम चुकी होगी कि मुझे एक बच्चा दे दो, नहीं तो मुझे तलाक दे देगा लोग। उस समय मैंने देखा था कि एक औरत 44 तलाक मिल चुका था उसको पाकिस्तान में, जो पेपर में दिया था और न्यूज में भी दिया था कि पाकिस्तान में एक ही औरत को 44 बार शादी हुआ, शादी करती थी उसको तलाक दे देता था लोग। तो हमने उसको बोला कि अगर तुम्हारी माँ को, अगर तू पैदा नहीं हुआ होता तो तेरा बाप तलाक दे दिया होता, तुम्हारी माँ अगर तुम पैदा नहीं हुआ तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ शिवलिंग को पूजा करके तुम्हें पैदा कर दी होगी, तुम्हारे बाप से भी तुम पैदा नहीं हुए होगे। तो ऐसे देखिए, वेद से अगर वो आता है लोग तो वेद से हमें जवाब देना चाहिए, लवेद से आता है तो हमें लवेद भी पता होना चाहिए। क्यों मलचंद जी, धन्यवाद। वी जी आपका स्वागत है। वी जी और रीनॉर्मलाइज अद्वैत जी, आप दोनों को जय हिंदू राष्ट्र। आज की मैंने स्ट्रीम में पूरे यूरोप में जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें क्या क्या प्रचलन है और जादू टोने टोटके का, वो सब मैंने बताया है, जिसने भी मिस करा हो देख लें। और मैंने ये बताया है कि जो पेशाब मिलाई जाती है वो दूसरे को वश में करने के लिए पेशाब मिलाना एक मुस्लिम उसमें एक प्रचलन है, ये बहुत सारे टर्की वगैरह देशों में ये करा जाता है। और भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे जो है लड़की को वश में करना है तो लेफ्ट आर्म दबाएं उसे गति में और बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो लड़की आए गुलाब का फूल में जो है अपनी मनोकामना डाल के उसको दें, उसकी खिड़की के सामने से तेजी से निकले, इत्यादि इत्यादि। तो पेशाब मिलाना, और ये लोग जो टट्टी पेशाब मिलाते हैं खाने में तो ये दूसरों को वश में करने के लिए मिलाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए जो कि रोग भी लाते हैं वो, और हिंदुओं को नीचा भी दिखाना चाहते हैं और पागल दिमाग है। देखिए हमारे अथर्ववेद से भी मैंने बताया कि बहुत सारी औषधियां हैं काम सूत्र में भी, लेकिन इनके पास नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ औषधियां थी जो प्लांट्स के रूट्स के जो कि इस तरह से लोगों को लव करने के लिए, मतलब उनको प्रेम उसमें भावना लाने के लिए वो औषधियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये लोग खाली कॉपी पेस्ट मजहब है, इनको समझ नहीं आया। ये लोग टट्टी पेशाब मिला के दूसरे को वश में करना चाहते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वी जी और रीनॉर्मलाइज्ड? तो वी जी आपसे स्टार्ट करते हैं, बोलिए जी। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र मैम जी, सभी भाइयों को जय सनातन। मैम मेरा एक ही ये इस पे मेरा एक ही बात था कि यहाँ के मुस्लिम और वहाँ के मुस्लिम, जहाँ पाकिस्तान के मुस्लिम आधे, यहाँ के तो पूरे मैं बता दूंगा और वहाँ के आधे बता दूंगा। जो मुस्लिम क्या बोलते हैं कि हमारे इस्लाम में सब धर्म को लेके चलने की बात की है, वो ऐसा अगर हमारे जो कोई सुनने वाले रहेंगे तो वो आके, जो आज का टॉपिक है वो टट्टी पेशाब मिलाने के ऊपर है। जी जी मैम, वही मैं बता रहा हूँ, वही उसी पे आ रहा हूँ। जैसे ये जो ये टट्टी पेशाब का जो है ना, ये बात यहाँ का मुस्लिम कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये ना ये कभी नहीं बताएगा कि ये हदीस में है, ये है। जब उसको फैक्ट बताएंगे, हम सच बताएंगे, तो वो पलटी मार देगा और तुरंत निकल जाएगा, ये सीन है। और उसको अगर ये ऐसे आमने सामने पूछेंगे कि बाबा तुम्हारे इसमें ऐसा लिखा है, तो वो बोलेगा, पहले वो कवर फायर करेगा कि भाई नहीं ऐसा कुछ है नहीं, हम तो सबको लेके चलते हैं, हम सबको मानते हैं, वो ये बात पे नहीं आएगा कि यहाँ पे ये सब लिखा है। अगर अभी वो टट्टी पेशाब का तो ठीक है, अगर और कुछ लिखा होता उस पर और चलने वाले लोग भी होते तो शायद वो भी कर लेते। अब ये तो टट्टी पेशाब यार, ये तो बोलने वाली बात ही तो है नहीं, पर लेकिन ये कोई भी ऐसा, हाँ वही ना, ये बात ये लोग नहीं बताएंगे अपने मुंह से। और जब इनको हदीस खोल के दिखा देंगे, जब हम इनको रेफरेंस देंगे या फिर फैक्ट देंगे, फैक्ट पे बात करेंगे, जब पूरा इनको सबूत देंगे, तो ये भाई पलटी मार के नई कल्टी मार दिए ना, तो देख लेना। और वैसे ही सीन है पाकिस्तान में भी, यही सीन है, और हिंदुस्तान में तो जितने मुस्लिम है सब यही सीन है।
इनका यही कहना है कि हम ये नहीं है वो नहीं, ये गलत कभी नहीं बोलेंगे कि ये हदीस गलत है। देखो मैं ये कभी हदीस गलत है, मैं कह रही हूँ ये जानबूझ के मिलाते हैं दूसरों को। नहीं नहीं मैम, हम तो बोले हम जैसे वैसे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे वो लोग, लेकिन ये वो लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि हदीस में नहीं लिखा है। और उनको कभी ये पूछो ना कि अगर लिखा है तो फाड़ सकते है क्या, तो वो ये कभी नहीं, वो पलटी मार देंगे सीधा। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है ये गलत लिखा है, वो ना फाड़ेंगे ना गलत लिखा है ऐसा बोलेंगे ही नहीं। अगर लिखा है तो उस पर वो अमल भी करेंगे। अगर टट्टी पिसाब खाना लिखा है या पीना लिखा है ना, तो वो करेंगे ही, पर वो उसको ये नहीं बताएंगे ये गलत लिखा है या ये गलत हो रहा है, कभी नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात है। दुनिया का सारा हरामी हरामा नियम है ना, सारा हरामी और हरामा नियम उसी किताब में लिखा हुआ है। दुनिया का जितना भी पतित से पतित कर्म करना है, जितना कर्म है, जो बात अभी आपने बोली है ना, यही है एक्चुअली सब सबका निचोड़ जो आपने एक लाइन में बोल दिया है, बस यही है उससे। और उसको वो लोग मानेगा ब्लाइंडली, फैथ करेगा लोग, क्योंकि वो तो रोज के रोज अगर उसको टट्टी पिसाब भी अगर पीना पड़े तो वो अल्लाह अकबर करके पीता जाएगा, पीता जाएगा, जितना दे दीजिए पीता जाएगा, लोटा लोटा बाल्टी भर के दीजिए वो पीता जाएगा, कहेगा हमको जन्नत मिलेगा। यहाँ के लिए वो नहीं पिएगा, वो 72 हूर के लिए पीता है, उसको चाहिए 72 हूर। आपके भी विचार ले लेते हैं। जय हिंदू राष्ट्र, बोलिए। स्पीक ओनली फॉर 2 मिनट्स। या यू ऑलवेज गिव अ टाइम लिमिट, दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक, बिकॉज़ यू टॉक इन इंग्लिश एंड मोस्ट पीपल जस्ट स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, सो जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू लेस देन 2 मिनट्स। ओके ओके ओके। सो आई वाज सेइंग दैट इन इस्लाम ऑल्दो ब्लैक मैजिक इज condemnable by death punishment is there for sorcery, but the thing is that they do it under the cover, okay, and all the our mullah maulvi sahabs are expert with it. One thing is that one we have the surah jinn, everybody knows that what are jinns. Jinns are pishachas. Okay, they also will tell you this, that the jinns are pisach, and there are two kinds of jinn. There is a good jinn and bad jinn. Well, in Christianity, they say that the whole jinn thing is bad. They are evil things. But Islam will say there is a good jinn also, bad jinn also. Okay. Now what they will do, they will call the good jinns. There is no good jinn, in fact. But they will call the good jinns with surah. They will recite the surah jinn for 40 days. Okay, and they will do the amal, and after that they will take on the power, the position of the jinn, and this is black magic. This is plain simple black magic. What they are doing is pisha sadhana. These are the worst of tantrics do that. And so, I'll tell you, they are the most superstitious of all, because they are the ones who wear all this ganda tabij. They are, you will always find a person from the Narpishach community wearing a tabij and wearing kajal in his eyes. Ji, Muslim ji koi aaye hain. Muslim ji, aap India se hain, Pakistan se hain? Ji, main India se hoon. Ji, boliye. बोलता हूँ तो आप म्यूट कर देती है। नहीं, आप 2 मिनट बोलिए, हम तो यहाँ पर सब 2-2 मिनट बोल रहे हैं, फिर नेक्स्ट राउंड में फिर बोलते हैं सारे लोग। तो ये गौमूत्र पी सकते हैं क्या? आज गौमूत्र एक औषधि है, और गौमूत्र जो उन लोगों को बताई जाती है जो लोग वैद्य के पास जाते हैं, कोई उनको भारी बीमारी होती है। अभी पता चला है कि कैंसर में भी गौमूत्र बहुत उपयोगी है। गौमूत्र इजीली अवेलेबल नहीं है, और ना ही जो है गौमूत्र पीने का लोगों को बोला जाता है। ये कुछ लोग जो कुछ रोग से ग्रस्त हैं, वो अगर जाए चिकित्सक के पास तो वो पूछते हैं। ये कोई गौमूत्र पीना कोई टॉपिक नहीं है आज का। मुस्लिम जी, मुसलमान लोग मैम मिलाकर खिलाफ। वन मिनट जी, इस बारे में आपको क्या कहना है?
लेट मी स्पीक सर मोमिन साहब महीचंद जी एक मिनट इनको दो मिनट बोलने दीजिए। आज का मैम उनका सवाल का जवाब मैं साइंटिफिकली नहीं है कि गौमूत्र टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है कि मुसलमान खाने में टट्टी पेशाब और जो थूक मिलाते हैं उसका क्या रहस्य है। जी ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ, आज इसी के तो मैं स्ट्रीम पे आया कि ये तो एक नई बात मैंने सुनी आपसे। करने के लिए क्यों आपके जो मोहम्मद थे वो तो ब्रेड में थूकते थे, वो कितने सारे मेरे पास हदीसे हैं कि वो गए किसी के घर में इनवाइटेड थे तो उन्होंने उनके कुएं में जाके पेशाब कर दी और उस कुएं को नाम हो गया अल बरूद, और इस जब वो कहीं गए तो वहां पर ब्रेड बन रही थी तो उन्होंने ब्रेड में थूक दिया, जो गोश्त रखा हुआ था उन्होंने गोश्त में थूक दिया, और एक आदमी उनके साथ जब वो टट्टी करने जाते थे तो जाता था टट्टी खाने उनकी, तो आयशा वो बोली जमीन पे आके आपकी टट्टी गायब हो जाती है, लोग उनका जो है पेशाब पीते थे, एक वुमन थी किसी के घर में गए तो बाहर पेशाब जाने की बजाय उसके घर के जो किचन है उसमें से बर्तन में पेशाब कर ली, और वो वुमेन जो है वहां लेटी हुई थी उसने वो पी ली रात को, और इस तरह की बातें जो न केवल उस जमाने में होती थी बल उनकी सुन्नत फॉलो कर करके कितने सारे मुसलमान यहाँ पर पकड़े गए हैं भारत में जो कि जो है पेशाब लगाते हैं फलों फल बेचते समय, घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो किसी हिंदू नाम लेकर जो है नौकरी करके और वहां पर पेशाब मिला रही हैं, थूक रही हैं खानों में, तो ये सब ये तो बहुत गलत बात है, बहुत बहुत ही गलत बात है। लेकिन मुस्लिम जी पर होता है और मुस्लिम जी मुस्लिम जी आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट द वुमन जस्ट मैम टोल्ड हर नेम अज बरा द सलामा स्लेव हर नेम वाज हसीना बरा बरा शी वाज एम्प्लॉयड इन अ मैन हाउस हु वाज कॉल्ड बाय द नेम आशा कौशल। No, no, no. I am telling about the hadith. In the hadith, the, it is written according to Jalal Din Suyuti, and he is reported this. And Tabarani's in Imam Tabarani's account is also it is there that a girl named Bara drank the urine of Muhammad Sahab, Paigambar Sahab. And जो आपने बोला ना मैं तो आपको बता रही हूँ कि तब तो न केवल तब होता था, यहाँ देखो ये एक्चुअल में रिकॉर्डेड है, इसने चोरी की थी पहले तो इन जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने एक सीसीटीवी कैमरा लगा लिया और यहाँ पर ये थूका इसने एक गिलास में और इसके बाद उसने पेशाब मिलाई, तो ये वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, मैंने इसका लिंक जो है दे दूंगी आप लोगों को तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने अभी दिखाया। मैम मुझे खांसी है, मुझे बहुत दिन से खांसी है, तो मैं गौमूत्र पी सकता हूँ क्या? तो आज का टॉपिक गौमूत्र नहीं है, आप किसी वैद्य से जाके पूछो ना कि आपको क्या खांसी की दवाई जो है उसमें क्या पीना चाहिए। मतलब मैं कोई एक सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, आप बोलो आप बोलो आप ही बोलो मुस्लिम भाई, देखो किस पे बात हो रही है ना, आपको सुनो एक मिनट ना एक मिनट प्लीज सब लोग म्यूट हो जाइए, मैं बोल रही हूँ कि अगर आप टॉपिक से बाहर बोलोगे मुस्लिम जी तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। अगर आपको गौमूत्र में इंटरेस्ट है तो आप गौमूत्र किसी वैद्य से जाकर पूछिए जो आयुर्वेदिक का इलाज करता हो, उससे जाकर आप पूछ सकते हैं कि गौमूत्र के क्या फायदे हैं या उस पर एक रिसर्च करिए। हमारे यहाँ कोई मैंडेटोरी नहीं है कि कोई गौमूत्र पिए, ना हमारी किसी ग्रंथों में लिखा है कि आपको गौमूत्र पीना चाहिए, और मुस्लिम जी किसी जो ग्रंथ के जो हमारे जो जितने भी जो देवी देवता हैं और ये सब गौमूत्र पीते थे। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर बात खारिज होती है। एंड मुस्लिम जी आई वांट टू ऐड समथिंग, यू फिनिश देन आई विल गो टू प्रेम जी। हाँ
Muslim ji, I want to you asked whether you can drink cow's urine or not, but I say you that you rather drink camel's urine because it is written in your book Sahih al-Bukhari 5686. This is the hadith number, you can check it. And the second number of the hadith is this book 76, hadith number 9. The climate of Medina did not suit some people, so the Prophet ordered them to follow his shepherd, that is the his camels, and drink their milk and urine as a medicine. So they followed the shepherd. क्या हुआ re-normalized जी वो एक tribe के लोग थे और वो dehydrated क्योंकि रेगिस्तान में dehydration हो जाता है तो मोहम्मद ने उनसे बोला कि ऊंट का पेशाब पी लो तो वो थोड़ा better feel करे क्योंकि वो dehydrated थे. मैंने देख लिया है. मैं चलो इनको भाई साहब को मुस्लिम भाई साहब को सुन रहा था. पहले तो इनको नमस्कार. और दूसरा मैं इनको बताऊंगा कि हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं देखा. Nobody is forcing you to have a cow urine. Okay, that's up to you, dude. This is the modern era. You can go see a doctor. ठीक है, यहाँ कलौंजी से इलाज नहीं करते हम लोग. हमारे पास गौमूत्र से भी इलाज है और दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर्स भी एवरीडे हमें प्रोड्यूस करते हैं. So that's up to you. You have two options. Either you go to the doctor, Hindu doctor, or either you go drink the cow urine. So nobody is forcing you. This is not in our books. तो ये आप मेरी बात सुनिए. I'm not done yet. अब आप टॉपिक पे तो बोल रहे हैं. आपके अंदर हेट भरी पड़ी है क्योंकि आप इसको डिफेंड करने आए हैं. डिफेंड करो, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा. तो टॉपिक से बाहर मत जाइएगा, तहजीब के दायरे में रह के बात कीजिएगा. That's it. That's all I have to say. So Muslim साहब, I want to say something, and that is that whatever thing you are alleging about us as a Sanatan Dharma, these all the things are present in your books, and I can show the references. So before you speak something negative about Sanatan Dharma and everything, please keep a record of your texts also. We have the texts in our hand. That is the thing. I have read Quran with tafsirs. I have read hadith also with tafsirs. So please understand that. I request one thing, sir. Today's topic, tatti and urine. So we can talk and focus about the tatti and urine only. We don't go out to our topic. मैं बता रहा हूँ मोमिन साहब, आज साइंटिफिकली आप जाइए किसी डॉक्टर से पूछिए कि काउ यूरिन में क्या चीज होता है. वहां पे 18 एलिमेंट आज साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, उसमें 18 एलिमेंट है जो कि कैंसर तक को ठीक करता है. ये डॉक्टर ही, मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ, साइंटिफिक प्रमाण है ये कोई अच्छा। वो अमद वाला प्रमाण नहीं है कि जो मुंह से कह दिया वही प्रूफ हो गया. मनीचंद जी अभी मुस्लिम भाई, आप ये काउ यूरिन का छोड़ दो. आप अभी जो मैन ने सवाल किया, जो प्रेम जी ने सवाल किया, बाकी और लोगों ने सवाल किया, आप उस पे बात करो. ये काउ यूरिन का बाद में हम सब आपको बता देंगे, पर आपको इसको सवाल किया इसको स्टॉप किया जाए और जो आज का टॉपिक है उस पे बात किया जाए. हम लोग टॉपिक से बाहर ना जाए प्लीज. आई वांट टू से समथिंग एंड आई वांट टू ऊपर हो गए हैं. एक बार बोलने दो ना उनको, एक बार बोलने दो उनको. लेते हैं एक लास्ट राउंड ले लेते हैं. तो सबसे पहले कौन आए थे, BKS जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, बोलिए. लास्ट राउंड है, इसके बाद 2 घंटे से ऊपर हो गया है तो मैं स्ट्रीम क्लोज करना चाहती हूं. तो लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं, BKS जी बोलिए. हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि यहाँ पे
कि आप काऊ गाऊ गाय में मत जाए, पहले अपने पुस्तक में देखें, हमारे पुस्तक में तो लिखा नहीं है कहीं भी, फिर भी आप लोग उसको लेके आते हैं। आपके पुस्तक में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा होगा, हदीसों में होगा कि लेटरिंग मुबारक पेशाब मुबारक, टिट्टी मुबारक पेशाब मुबारक और थूक मुबारक, ये सब यानी कि मोहम्मद को आप लोग एक काम करते, काट के धीरे धीरे पहले खा लेते पूरी तरह से, तो मोहम्मद का सब मुबारक ही हो जाता। दफनाए क्यों थे? दफनाने की जरूरत नहीं थी ना, सीधे उसको काट खाते, मर गया था तो काट खाते। Here I want to say something that sallallahu alaihi wasallam, I want to take his name with respect, and this is one hadith I am reading here. It is by Imam Jahal, where it is claimed the purity and cure in Prophet's urine, and it is by Imam Suyuti. Okay, you can read this hadith. The Prophet, may Allah shower peace and blessings on him, had a wooden ball, katka bati, in which he used to urinate, and was placed under his bed. That means that ball used to be placed under his bed. One night he searched for it, but he did not find it, and asked for it, saying, "Where is the ball?" The members of the house replied, Salama's slave girl Bara drank from it. I have narrated that already. Renormalized. I have told many hadiths about how the Prophet said. The important thing is that he said that it will help you in your stomach ailments. I have read that. No. A prophet said that it will save her from the hell's fire. Yeah. Or. मैडम जी प्रीति मैडम, मैडम बस एक मिनट बोलना है मुझे, अगर मुस्लिम भाई हैं चले गए, ये है ना बैठे, ये जो ताजमहल। अच्छा मुस्लिम भाई देखो, आपने एक तो टॉपिक पे बात नहीं कही, और एक आप जब किसी चीज को डिफेंड नहीं कर पाते, आपके पास लॉजिक खत्म हो जाता है, तो स्टूपिडिटी पे आ जाते हो। हमारे किस ग्रंथ में लिखा है यूरिन पीना? यार हमने तो हजारों साल पहले अपने ऋग्वेद में और यजुर्वेद में लिख दिया, हमने तो सर्जरी कर दी थी, प्लास्टिक सर्जरी, और आप 1400 साल से हमें ये सिखा रहे हैं। यार मुझे पता है, आपको ही पता है इस बात का, इस गंदगी का आपको ही पता है। जब आप अपने शीशे के आगे मुंह देखते हैं ना, थूका करो, आपको ही पता है अपने चेहरे में आप में बुराई है। लेकिन 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 प्लास्टिक सर्जरी क्या, प्लास्टिक सर्जरी कब किया हम बता देंगे मैडम, हमारी मैडम अभी रेफरेंस देगी, हाथ जोड़ के मेरे भाई मुस्लिम भाई, टॉपिक पे तो आप बात नहीं करे। अब घर जाके किसी ताए चाची या बबुआ की लड़की के साथ में गलत हरकत मत करना जब घर जाओगे, बस यही कहना है। मैं मुस्लिम जी का वो करती हूँ कि देखो ये थोड़े रीजनेबल हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये चीजें गंदी हैं, अब इनको पता नहीं है। प्रेम जी ने बहुत गलत बात बोला है, इसको बोलिए कि ये बात अपनी वापस लें स्ट्रीम पे। जी मैं तो कहती हूँ पर्सनल अटैक्स मत करिए प्लीज, ये सही नहीं है। कैन यू टेल मी व्हाट आई सेड रॉन्ग सो आई कैन टेक माय वर्ड्स बैक। मोमिन भाई उन्होंने बोला, वो बोला ये अच्छी बात नहीं है भाई। अब प्रेम भाई आप नाम प्रेम रखा है, प्रेम कीजिए ना। सी सर आई कैन गिव रेफरेंसेस यू गाइस, आई कैन गिव यू लॉट ऑफ रेफरेंसेस वेयर योर ओन गर्ल्स बीइंग यूज्ड इन योर ओन होम, दे बीइंग रेप्ड बाय देयर कजन्स। पता है लेकिन हम अभी हमारा टॉपिक नहीं है ना, मैंने इसको बताया टॉपिक साउथ इंडिया में मामा अपनी भानी से शादी करता है और ये विभू जी ऑन करके गई है। प्लीज प्लीज आपको आज टॉपिक पे नहीं बात करनी है तो मैं आपको रिमूव कर देती हूँ। आपको ब्रह्मा सरस्वती के बारे में नहीं पता है तो शेम ऑन यू, बिकॉज आप मेरे को आके कभी भी इसे ट्यूसडे के दिन पूछ सकते थे। मैंने एक्सट्रीम भी छोटी सी बना रखी है 19 मिनट की। ब्रह्मा जी स्प्लिट हो गए थे, उनकी बॉडी दो में स्प्लिट हो गई थी और सरस्वती उन्हीं का आधा भाग था, ठीक है। तो आपको मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि आप जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लास्ट राउंड है ये। वी जी बोलिए।
जी मैम उनको ना लेना चाहिए, उसको 2 मिनट बोलने देना चाहिए, उसको वो टर्क पे बात कर रहा है या नहीं, क्यों अभी टर्क पे नहीं कर रहा है क्योंकि अभी प्रेम जी ने कुछ कह दिया नहीं जी मैम ठीक है मेरे को देखना उनके ना वी जी आपको अगर कुछ बोलना है तो बोलिए क्योंकि ये मेरा लास्ट। हाँ मैं बोल रहा और okay. मुस्लिम जी जो है वो टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, अब वो छिड़ गए हैं किसी बात से तो वो ब्रह्मा सरस्वती पे आ गए हैं और मैं ये जो मैं, ये बातें नहीं करना चाहती हूँ। आपको कुछ आज के टॉपिक पे बोलना है तो बोलिए नहीं तो मैं अगले पे चलती हूँ। नहीं जी मैम ये टॉपिक पे तो यही बोलूंगा कि उनको करना ही है, वो अगर उसमें अगर ये चीज लिखा है तो उनको करना है, वो ये बात को तोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात यहाँ के मुस्लिम पढ़े लिखे हैं और वो पूरा जानते हैं, उनको पता है कि ये हमारे इसमें लिखा है पर वो खुल के बताएंगे नहीं, उस पर अमल तो जरूर जरूर करेंगे। अभी जैसे काफिर का चीज ये सही बोला, ये लोग अमल करते हैं पर ये इनको क्या पता नहीं है, अगर ये भारत में रहते हैं तो इन ताजमहल लगा रखा है इन्होंने तो क्या इनको पता नहीं है कि कितने सारे केसेस हुए हैं अभी जो पकड़े गए हैं लोग। जी रीनॉर्मलाइज जी आपका खत्म हो चुका है, वी जी आपका भी, महीचंद जी रह गए हैं, महीचंद जी बोलिए। जी मैम मैं वापस जुड़ूंगा। जी मैम ठीक है, जय श्री राष्ट्र। ये थूक मुबारक, टट्टी मुबारक और पिशाब मुबारक जो है ना मैम, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे निकाह होता है, निकाह का अर्थ सबको मालूम है, हम सब लोगों को मालूम है। तो क्या हो रहा था कि एक लड़की का निकाह हो रहा था, तो उसमें क्या है कि आजकल तो इस्लाम में तो औरतों को पढ़ाई मना है, पढ़ाई मतलब कि शरीयत के खिलाफ है, मतलब कि उसको फिल्म देखना शरीयत के खिलाफ है, औरत को नमाज पढ़ना शरीयत के खिलाफ है, ये सब खिलाफ है। तो उसी में जब निकाह हो रहा था एक औरत को, तो उसमें आजकल तो थोड़ा मोड़ा लड़की लोग पढ़ी लिखी है, तो एक लड़की ने बोला कि ये जो मुमीना है ये वर्जिन है कि नहीं, इसको पहले हम लोग टेस्ट करते हैं। तो वर्जिन के बारे में उसने जब इन लोगों ने अपना एक टेक्निक लगा करके गया लोग कि इसका मुंह देखते हैं और इसको मतलब साइकोलॉजिकली हम लोग चेक करते हैं कि वर्जिन है कि नहीं, तो उसने बोला कि मेरे रूम में वही औरत प्रवेश कर सकती है, अल्लाह की कसम खा के गेट पे प्रवेश करे और कहे कि मैं वर्जिन हूँ, जो वर्जिन नहीं है वो मेरे रूम में दाखिल न हो। तो अब जो जो वहां उल्टा उसको टेस्ट करने गया लोग वर्जिनिटी, वो सब के सब अनवर्जिनिटी हो चुका था लोग, वो एक भी उसमें प्योरिटी नहीं मिला। तो उसने क्या किया कि लास्ट में बोला कि सब के सब तो तुम ऐसे ही हो और तुम लोग आई हो मेरे को चेक करने के लिए। तो इस्लाम में जो ये टट्टी मुबारक, थूक मुबारक, पिशा मुबारक है, तो ये सबको सबको इसलिए मुबारक दिया जाता है कि ताकि एक दूसरे का पुल न खोले, एक दूसरे को कहीं अगर वो छोड़ के जाएगा या कहीं जाता है और एंटी इस्लामिक अगर कोई बात करता है तो उसको वही चीज अस्त्र वो उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में है, इसी को वो लोग प्रयोग करेगा और इस प्रयोग से वो लोग ये साबित करेगा कि तुम तो पहले ही ये हो चुके हो, तो आज तुम इसका क्रिटिसाइज यानी आलोचना कैसे कर सकते हो, यू कांट क्रिटिसाइज अबाउट दिस। ठीक है धन्यवाद महीचंद, ये है मेरा जी जी। अभी मैम मैंने ब्रह्मा विष्णु के बारे में नहीं बोला था, मैंने साउथ इंडिया के बारे में, साउथ इंडिया केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में बोला था, जहां आज भी सनातन हिंदू मामा अपनी भांजी से शादी। सुनिए मुस्लिम जी आप फिर उससे ज्यादा जा रहे हैं। I am replying to him मैम, बोलने दो मैडम। प्लीज मैं ये स्ट्रीम क्लोज कर रही हूँ, मुझे अपने पपी को वॉक करने के लिए ले जाना है। तो आंदोलन जी रह गए थे, बस लास्ट में आप बोल लीजिए फिर मैं स्ट्रीम क्लोज करती हूँ और बैक में हम सब लोग बात कर सकते हैं। जी बोलिए आंदोलन जी। मैडम जी जैसे ये लोग मिलाते ही हैं खाने पीने वाले चीजों में, तो हम लोगों को सनातनियों को इनका जो भी खाने पीने वाले कुछ भी दुकानें हैं या कुछ भी है वहां से कभी मतलब खाए ही ना कुछ ले ही ना, और
उसके अलावा पहनने ओढ़ने वाला कोई भी चीज, इनसे इनको बस जैसे अवॉइड करो, इग्नोर करो, बायकॉट करो। जी धन्यवाद आंदोलन जी। आज की स्ट्रीम जो है होपफुली आप लोगों को मैंने बताया है कि पूरे यूरोप में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर मैंने आपको विद रेफरेंस शो किया है कि क्या क्या टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं, और हमने ये देखा कि पेशाब मिलाना भी दूसरों को वश में करने में शामिल है। शायद इसी वजह से जो है इस नर पिशाच कम्युनिटी के लोग जो है खाने को प्रदूषित करते हैं और उसमें टट्टी पेशाब मिलाते हैं, ये उनकी सुन्नत भी है। तो आप लोग जो है उनको जय हिंदू राष्ट्र, और कल फिर मिलेंगे सामवेद में, और तब तक आप बॉयकॉट करिए बॉलीवुड का, हलाल प्रोडक्ट्स का, सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, अपने घर में सेल्फ डिफेंस की चीजें रखिए। जय हिंदू राष्ट्र।